की ये जो विज्ञान है, रस विज्ञान है, रस तंत्र है, उसको लेकर कोई भी ऐसी कार्यशाला आयोजित नहीं हो पाई। विशेषता क्या थी कि नहीं हो पाई या नहीं कर पाए लोग, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? हमारे देश में पारद संस्कार के ऊपर या पारद विज्ञान के ऊपर 1300 से ज़्यादा ग्रंथ वर्तमान में प्रकाशित हैं, 1300, और 1300 ग्रंथ जो है वो रस की ना सिर्फ महिमा, उसकी महत्ता, उसकी इम्पोर्टेंस बताते हैं, बल्कि वो ये बताते हैं कि व्यक्ति जमीन से आसमान तक की जो दूरी है कितने कम समय में पूरी कर सकता है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था पारद का संस्कार करना या पारद के बारे में परिचय प्राप्त करने से। पारद हमारे इंडिया में होता ही नहीं है, कहीं भी नहीं होता, पूरी इंडिया में कहीं नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद 1300 लिटरेचर होने का अर्थ क्या है? नागार्जुन ने भारत में नहीं सीखा था रस विज्ञान को, और ना वो यहाँ रह के रसिद्ध हुए थे, वो बाहर गए थे वायु मार्ग से, उन्होंने अपने गुरु से जो समर्पात थे उनसे उन्होंने वो विद्या सीखी थी, और उस विद्या का प्रयोग करके वो उन्होंने सुना था कि कोई एल्केमिस्ट रहता है किसी द्वीप में, और वो वहाँ से उन्होंने उस विज्ञान को प्राप्त करके भारत लेके आए थे। इसके बाद से इस विज्ञान के ऊपर लगातार निरंतर शोध होता रहा। जो आदि पुरुष भगवान शिव हैं उनका सत्व है पारद, और उनसे ही ये विज्ञान सर्वप्रथम प्रकाश में आया था। एक समय तक भारत आर्थिक स्थिति से, शारीरिक स्थिति से, मानसिक स्थिति से अत्यधिक दैदीप्यमान सूर्य की भांति इस पूरे विश्व में प्रकाशित था, लेकिन एक वो भी समय आया कि जब हम स्वर्ण युग से सीधे लोह युग में आके गिरे। स्वर्ण युग के बाद हमें सिर्फ इतनी डिटेल है कि हम पाषाण युग से प्रारंभ हुए, एक्चुअली पाषाण युग तो था ही नहीं, कहीं पर नहीं था, क्योंकि आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, आप देखेंगे कि हमारे जितने भी पुराण हैं, जितनी भी हमारे मिथक हैं, कथाएं हैं, ये सारी जब प्रारंभ होती है सतयुग से, तो सतयुग स्वर्ण युग था, कहीं पे भी पाषाण युग की बात नहीं हुई। यदि हम यहाँ से चंद्रमा पे जाते हैं और एक ऐसे स्थान पे उतरते हैं जहाँ हमें आसपास कोई नहीं दिखता, और हम वापस आके बोलते हैं कि नहीं नहीं चंद्रमा पे कोई नहीं रहता, तो वो हमारी गलती है, क्योंकि हमने पूरे चंद्रमा का परिभ्रमण नहीं किया है, तो हमें वो पता ही नहीं होगा कि चंद्रमा पे कौन है और कौन नहीं है। ठीक वैसे ही वहाँ से कोई यदि पृथ्वी पे आए और वो सहारा के मरुस्थल में उतर जाए और वो बोले कि आसपास सिर्फ रेत होती है, पानी होता ही नहीं है, तो वो उनकी अपनी गलती है। लेकिन पहले पारद विज्ञान की मदद से, रसतंत्र की मदद से एक लोक से दूसरे लोक में जाना सहज और साध्य हो जाता था। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी परिचित था रस की अपार शक्ति से। लेकिन वो भी समय आया कि जब लोगों को खुद हमारे ही लिटरेचर पे बिलीव नहीं रहा। पहले साधना का बल था, गुरु पूर्ण समर्पण के साथ में, पूर्ण वचन कर्म के साथ में अपने शिष्यों को ये ज्ञान देते थे। लेकिन उसके बाद वो टाइम भी आया कि जब शिष्यों में कपट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि गुरु ने इसको अपने कंठ में ही धारण कर लिया, और इसकी जो बुद्धियाँ थी, इसकी जो जटिलताएँ थी, इसके जो रहस्य थे, उन रहस्यों से अपने शिष्यों को परिचय करवाना बंद कर दिया। स्वर्ण तंत्रम मेरे ख्याल से आप लोगों में से अधिकांश ने पढ़ी होगी। जिसका भी रसतंत्र में जरा सा भी रुझान होगा उसने स्वर्ण तंत्रम सद्गुरुदेव की लिखी हुई जरूर पढ़ी होगी, जिसमें बहुत ही सरल विधियों से उन्होंने रस का संस्कार करने का के बारे में पूरा ब्यौरा दिया है। लेकिन वर्तमान में वो भी अप्राप्य पुस्तक हो गई, जिसके पास है उसके पास है, बाकी लोगों के पास अब वो अवेलेबल नहीं है। और उसमें सिर्फ प्रायोगिक प्रक्रिया जो है वनस्पतियों के माध्यम से मर्दन या जो है खरल करना, पदार्थों के साथ में पारद को घोटना, सिर्फ इतना नहीं समझाया गया, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर था ऋषेश्वरी दीक्षा के ऊपर। और जिसके बाद भी विश्व की श्रेष्ठतम दीक्षाएं पुस्तक होगी या जिसने भी गुरुदेव की कैसेट में जो है ऋषेश्वरी दीक्षा और पारदेश्वर पूजन एक कैसेट है गुरु जी का, वो सुना होगा, वो जानता है कि एक जो रस शास्त्री है उसके लिए इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कुछ भी असाध्य नहीं है। रस को भरी भांति जान लेना, समझ लेना, वो हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी था। और इसी एक चीज़ से हम लोग वंचित होते चले गए समय के साथ साथ। साहित्य तो था पर उस साहित्य की गुत्थियों को खोलने वाले लोग लुप्त हो गए।
अचानक एक लंबे समय के बाद में सद्गुरुदेव का अवतरण हुआ और सद्गुरुदेव ने इस विज्ञान के सभी पक्षों को, यहाँ तक कि लोग सिर्फ इसके 18 संस्कार के बारे में जानते थे, सिर्फ जानते थे। आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे बीच में कई जो गुरु भाई हैं वो आयुर्वेद से डॉक्टरेट उन्होंने किया है और कर रहे हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय में भी, जहाँ किसी ज़माने में तंत्र और योग के ऊपर भी आचार्य और जो है उपाधियाँ प्रदान की जाती थी, शिक्षा दिलाई जाती थी, वहाँ भी आज 8 संस्कार करने वाले भी आचार्य उपलब्ध नहीं। 8, 18 बहुत दूर की बात है, 18 पॉसिबल ही नहीं है, 8 भी नहीं करवा सकते, क्योंकि उसका प्रायोगिक ज्ञान बहुत ही जटिल है। आप जब सामने आपके एक गाइड नहीं हो और वो आपको ना करवाए, आप पारण के 8 संस्कार भी नहीं कर सकते। अपनी पीठ आप थपथपा सकते हो पढ़ के कि मैंने ये डाला ये डाला ये डाला और इसके साथ मैंने इतने घंटे इसको खरल किया और ये हो गया, नहीं। आप अपने परीक्षक स्वयं नहीं हो सकते, आपकी परीक्षा लेने वाले, आप जब पेपर चेक करते हो, आप पेपर देते हो, उस पेपर को चेक करके मार्क देने वाला कोई और होता है, वो ज्यादा बेहतर बता पाता है कि किस तरीके से आपने संस्कार किए हैं, किस तरीके से आपने पेपर दिया है और आप कितने परसेंट मार्क आपने उसमें से लिए हैं। हम लोग ये गलती करते हैं, पुस्तकें पढ़ के हम अक्सर जो है ये सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं और इसमें सक्सेस नहीं हो पाते। बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए एल्केमी का अर्थ सिर्फ स्वर्ण निर्माण या रजत निर्माण है। एल्केमी इससे बहुत ऊपर की चीज है, बहुत ज्यादा ऊपर की चीज है। स्वर्ण निर्माण और रजत निर्माण एक, ये कह सकते हैं कि भौतिक उपलब्धि पाने का एकमात्र प्रयास है, मात्र भौतिक उपलब्धि का। और जो भी व्यक्ति भौतिक उपलब्धियों की ओर अग्रसर होता है, आध्यात्म उसका साथ हमेशा नहीं देता। और रही बात कि क्यों 60 साल में ही ये संस्कार या ये सारी चीजें हो पाई, तो सद्गुरुदेव ने इससे रिलेटेड काम करवाया है। जब वो पहले दीक्षाएं देते थे, पहले जब उन्होंने शिविर लगाया है, तो उन्होंने कई ऐसे शिष्यों को तैयार किया है जो कि लगातार पारद विज्ञान के क्षेत्र में गति करते चले जा रहे हैं, परंतु आज वो सबके सामने नहीं आ सकते या नहीं आ पाते। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि उनसे जो भी व्यक्ति मिलता है उसका पर्पस सिर्फ एक चीज होता है कि मुझे स्वर्ण बनाना आ जाए बस। क्योंकि स्वर्ण बनाना, रजत बनाना या पारद को अग्निस्थायित्व दे देना, ये अत्यधिक दुर्लभ है, गोपनीय है, परंतु सहज है उन लोगों के लिए जिसने गुरु से इस पूरे ज्ञान को पूरी तरह से आत्मसात किया हो। जिसने आत्मसात नहीं किया उसके लिए ये विद्या बिल्कुल भी नहीं हो सकती। सद्गुरुदेव ने पूरा क्रम प्रारंभ किया और उन्होंने शिष्यों को तैयार करवाया और जहाँ पे जो पुराने गुरु भाई हैं या जिन लोगों को पता है कि जोधपुर में जो ऑफिस है जहाँ पे, उसके बाजू में कभी प्रिंटिंग मशीन ऑफसेट हुआ करता था, ऑफसेट जहाँ पे पत्रिकाएं पहले छोटे ब्लॉक वाली छपती थी, पुरानी पत्रिकाएं, वो पुरानी पत्रिकाएं जहाँ छपती थी वहीं पे सद्गुरुदेव सारा का सारा कार्य करवाते थे। और सद्गुरुदेव ने इसके 1 नहीं, 2 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, 18 नहीं, 108 संस्कारों को लोगों के सामने रखा और वो संस्कार आज भी उपलब्ध है। क्या बनाना संभव नहीं है, क्या करना संभव नहीं है, सब कुछ, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है रस विज्ञान की मदद से। और 60 साल में पारद को शोधन कर पाना भी लोगों की समझ से बाहर हो गया, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि कौन सी वनस्पति लेना है। पान के वैज्ञानिकों ने पारद की मदद से स्वर्ण निर्माण की प्रक्रिया की थी और उन्होंने सफलता पाई भी, पर उन्होंने ये देखा कि 1 किलो में से उन्होंने मुश्किल से 2 से 2.5 ग्राम गोल्ड बनाया था, लेकिन लागत लगभग 1 किलो गोल्ड जितने में खरीदा जा सकता था उतना उसके संस्कार करने में आ गई थी। वो पीछे हट गए क्योंकि उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति से वो किया, आध्यात्मिक पद्धति से नहीं किया। यदि वो आध्यात्मिक पद्धति से करते तो शायद उनको बिल्कुल भी ये आर्थिक व्यय उनके ऊपर नहीं पड़ता, मगर उन्होंने उस प्रक्रिया को नहीं समझा। वेस्टर्न एल्केमिस्ट आज भी कोशिश करते हैं, वो कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि एक लंबे समय के साथ में वहाँ के जो एल्केमिस्ट थे वो लुप्त हो गए। यदि किसी ने एल्केमी की हिस्ट्री उठा के पढ़ी हो तो गेबर के नाम से लोग प्रचलित होंगे, इस्लामिक बहुत बड़े एल्केमिस्ट हुए हैं वो जाबिर इब्न आयान के नाम से, और वो 250 साल की लाइफ उन्होंने सिर्फ पारद विज्ञान की मदद से जी है। और यदि किसी ने पाउलो कोएलो की एक बुक है एल्केमिस्ट वो पढ़ी हो तो उसमें उन्होंने उसी कीमियागर के बारे में डिटेल दिया है, उसी कीमियागर के बारे में।
जिसने ऐसा द्रव्य बना लिया था कि जिसके बाद व्यक्ति मर नहीं सकता, जिसका शरीर निर्जरा हो जाएगा। निर्जरा मतलब जब शरीर में रोग ही नहीं होंगे तो आप मरोगे नहीं, अपनी पूरी आयु लोगे। वृद्धता कोई जो है काल की अवस्था नहीं है, वृद्धता एक रोग है। आपके शरीर में धीरे धीरे कोशिकाओं का क्षरण चालू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, और धीरे धीरे आपकी सारी कोशिकाएं वर्क करना बंद कर देती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं। और ये अवस्था आने के बाद ना तो आपकी स्किन टाइट रह पाती है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, धीरे धीरे आपके बालों में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके शरीर में एक ढीलापन आते चला जाता है, और एक समय वो आता है कि आप काल कर लेते, यानी मृत्यु को प्राप्त कर लेते हो। यहाँ दीर्घायुष्य प्राप्त किया जा सकता है, मतलब 100 साल, 150 साल, 200 साल बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के प्रदूषित वातावरण में, इतने पॉल्यूशन के बाद भी, हमारे कई ऐसे सन्यासी गुरु भाई हैं जिनके बारे में पत्रिका में आपने पढ़ा होगा, जिनकी आयु भी अत्यधिक है। किंकर स्वामी के बारे में लोगों ने सुना होगा, राघवदास बाबा जी के बारे में लोगों ने सुना होगा, शिव योग त्रयानंद जी हैं, प्रज्ञानंद जी, ऐसे बहुत सारे गुरु भाई आज भी वर्तमान में हमारे आसपास। अरविंद भाई जी यहीं इसी जबलपुर के, योगी राजा यहीं के, यहीं से उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, शमशान भैरवी वाली। शमशान भैरवी जिसने भी पढ़ा होगा, वो योगी राज अरविंद जी के बारे में उसने सुना होगा। और योगी राज अरविंद जी ने इसी पारद विज्ञान की मदद से, काल विज्ञान की मदद से, शुक्र ग्रह से हेम्प्टी चार्गेज को पृथ्वी पर लेके आए थे, और पूरे वैज्ञानिकों के सामने उन्होंने उसका पूरा इंटरव्यू करवाया था, पूरे वैज्ञानिकों के सामने। लेकिन बेसिक फिर वही बात आगे फंसती है कि वो हो कैसे, हो इसलिए नहीं सकता क्योंकि हमें पारद विज्ञान का क ख ग घ भी नहीं पता है। चीज ही धीरे धीरे समाप्त हो गई, शिष्यों का उत्साह समाप्त हो गया, लेकिन वो विद्या खत्म नहीं हुई, वो विद्या बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई, वो विद्या आज भी प्रचलित में है। और जो भी फर्स्ट वर्कशॉप, सेकेंड वर्कशॉप में साथ में रहे हैं, उन्होंने उसका लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन देखा है। वो ये नहीं कह सकते कि इससे कुछ भी सहज नहीं है, कुछ भी बन सकता है। जो रहे हैं वो जानते हैं कि हाँ ऐसा होता है। और एक बार मुझे खुद को आठ संस्कार करने में, सतगुरुदेव ने मुझे 90 से स्टार्ट कराया था, 94 में मेरे आठ संस्कार पूरे हुए थे। 94 में मैंने आठ संस्कार पूरे किया था, और 95 में सतगुरुदेव ने जब मुझे राघवदास बाबा जी के हैंड ओवर किया था, उसके बाद में उन्होंने उन्हीं संस्कारों को जब विहंगम पद्धति से और कापालिक पद्धति से करवाया था, तो मात्र 8 दिन में मैंने 8 संस्कार पूरे कर लिए थे, 8 दिन। उसके बाद जो तीक्ष्ण प्रभावित जो है कौल मार्गी पद्धति होती है, उस पद्धति से संस्कार करने पे 1 दिन में ही 8 संस्कार पूरे हो जाते हैं। और कैसे, क्या सिर्फ किसी चीज में खरल करने से नहीं, आज भी ऐसे कई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हैं जिनकी मदद से आप देख सकते हो घनत्व, उसकी गुरुत्वता, उसकी चमक, और उगना उसका अग्निस्थायित्वकरण कितना है, सेम निकलेगा। सबसे महत्वपूर्ण होता है 8 संस्कार के बाद पारद की वेधन क्षमता का आना। और आज भी मैं चैलेंज करता हूं कि हमारे बीच में से बहुत सारे करते होंगे पारद संस्कार, लेकिन वो 8 संस्कार के 10 संस्कार कर ले तो भी उनका पारा वेद नहीं करेगा। वो किसी भी, यहां तक कि वो यदि टिन के अंदर भी उसको डाल देंगे तो वो वेद नहीं करेगा। टिन के अंदर डालने पे भी वेद, यानी रांगे के अंदर डालने पे भी वेद नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया नहीं पता है कि कैसे पारा वेदन करता है, उसकी कंचुकी कैसे हटा दी जाए। हम अपनी पीठ थपथपाने के लिए कर सकते हैं 8 संस्कार, लेकिन हमने 10 संस्कार तक करवाए। आज सब लोग क्यों इकट्ठा हुए, हम वर्कशॉप में इकट्ठा हो सकते थे, वजह है कि जो पहले 34 थे उन 34 में से आज मेरे साथ 22 लोग नहीं है, आज वो खुद मास्टर हो गए। मैंने गुरु भाई के रूप में यात्रा प्रारंभ की थी, कोई गुरु बनना मेरा लक्ष्य नहीं है। यदि आज हम तीनों यहाँ ऊपर बैठे हैं, उसके पीछे रीजन है कि हम लोग आपस में अच्छे से कम्युनिकेट कर सके। कोई मंच नहीं चाहिए था, हम लोग नीचे बैठ के बात कर सकते थे, इक्वल बैठ के बात कर सकते थे। जरूरत थी सिर्फ इस चीज की कि मेरी बात आप लोगों तक अच्छे से पहुंचे। और एज ए गुरु भाई, सिर्फ एज ए साधक, मुझे कुछ अचीवमेंट हुई है तो अचीवमेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। तो इसमें मैं कहां गलत था, मैं कहीं गलत नहीं था। 22 लोगों का झटका, जब 34 में से 22 आपके साथ में सिर्फ फ्रॉड कर दे, चीट कर दे, तो आपका डरना स्वाभाविक है। लेकिन पहली वर्कशॉप से दूसरी वर्कशॉप मेरी बहुत अच्छी थी, मुझे जितने भी मेरे भाई मिले वो आज भी मेरे साथ बराबर से, एक भी ऐसा नहीं था कि जिसने चीट किया हो। लेकिन 2 वर्कशॉप में इतना ज्यादा खर्च हम लोगों के ऊपर आ चुका था कि हमें हमारी जेब से ही जो है लाखों में जो है अमाउंट देना पड़ गया।
और हमें अक्सर जो है जड़ी बूटियों के लिए या वर्कशॉप की प्लेस के लिए बाहर जाना पड़ता था, क्योंकि प्रॉपर तरीके से जब तक आपके पास केमिकल डिपार्टमेंट का अप्रूवल नहीं हो आप पारद या पारस रिलेटेड कोई भी इंडस्ट्रियल वर्क आप कर ही नहीं सकते। पैसे का वजन था, बहुत सारे गुरु भाई ऐसे थे कि जिनका ये कहना था कि भैया पैसे नहीं हो पाते हैं। हालांकि जो शामिल हुए हैं उनको पता है कि जो भी उन्होंने उस समय पर लागत लगाई होगी उससे कहीं ज्यादा लागत लगी है उस वर्कशॉप को करने, उससे कहीं बहुत ज्यादा वर्कशॉप करने में लगी थी लागत, मगर वो हमने हमारी जेब से दिया। फिर हमारे सिर्फ दिमाग में एक बात थी कि कैसे भी करके हमें हमारे जितने भी भाई हैं बहन हैं, क्योंकि कुछ गुरु बहनें थी उनको ये शिकायत थी कि लड़कियों के लिए वर्कशॉप क्यों नहीं हो सकती, तो एक ऐसी जगह चाहिए थी हमें जहाँ पे हमारी गुरु बहनें आराम से सबके साथ रह सकें और एक पारिवारिक जो है वातावरण में वो सारी चीज़ें कर सकें। सिर्फ पारद विज्ञान की बात नहीं है, पारद विज्ञान की बात इसलिए यहाँ पे भी मैंने किया क्योंकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हमारे बीच में आदित्य हैं, ऋषिराज हैं, इनसे आप पूछ सकते हो कि ये जिस कॉलेज में इन्होंने पढ़ा है वहाँ पे यदि आठ संस्कार वाला पारा भी इन्होंने देखा हो, जबकि ये लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, इसका नॉलेज नहीं है किसी को भी नहीं। जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने थ्योरेटिकल पढ़ा है, उनको बुद्धियां पता नहीं। जैसा श्लोक का भावार्थ किसी ने ट्रांसलेट करके दे दिया वो, दरअसल में भावार्थ एक अलग सी क्रिया हो जाती है। श्लोक जो बोल रहा है वो भावार्थ आपने लिखा हो या आपने समझा हो ऐसा नहीं होगा, भावार्थ एक अलग ही चीज है। श्लोक बोला गया आपने उसका क्या अर्थ समझा ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप सब लोग को शायद इस महीने का तंत्र कौमुदी जिसने भी पढ़ा होगा उसमें एक चीज मैंने लिखी हुई थी, आज आप लोग को पता है भगवत गीता के लगभग 10,000 से ज्यादा टीकाएं मार्केट में है भगवत गीता की। जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाने के लिए भगवत गीता बोली थी उस भगवत गीता के 10,000 से ज्यादा टीकाएं हैं, मतलब हर व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से समझा है और उसकी टीका लिखी है, वो उसकी समझ है, उसकी टीका हमारे काम की नहीं है। हमारा गुरु जो हमें समझाए वो हमारे काम का है। जिसके लिए भगवत गीता का पूरा विवरण, पूरे श्लोकों की उक्ति, पूरा प्रवचन, पूरा दृष्टांत भगवान कृष्ण ने बोला था जिस अर्जुन के लिए, उस अर्जुन को तक गीता समझ में नहीं आई थी, क्योंकि यदि उसको गीता समझ में आ गई होती तो भगवान कृष्ण को अपना विराट स्वरूप नहीं दिखाना पड़ता। फाइनली जब शब्दों से कुछ नहीं हुआ तब भगवान कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, आप लोग ध्यान से सोचिएगा, जिसके लिए बोला गया है उसको समझ में नहीं आया तो फिर हम और आप कैसे भगवत गीता को जो है समझ सकते हैं, अच्छे से आत्मसात कर सकते हैं, क्योंकि वो एक पूरा तंत्र है, क्रिया तंत्र है, क्रिया योग है, पूरा राजयोग है, दृष्टांत योग है। वैसे ही पारद के जो ग्रंथ प्राप्त हैं उसका ट्रांसलेशन हमारे किसी काम का नहीं है जब तक कि उसको किसी के गाइडेंस में ना किया जाए। यदि स्वर्ण तंत्र किसी ने पढ़ा है तो उसमें गुरु जी ने एक चीज कहा है कि मेरी इच्छा है, मेरी तमन्ना है कि मुझे 2 या 4 शिष्य ऐसे मिल जाए जो इस क्षेत्र में समर्पित हों और जो मेरे गुरु श्री रसेंद्र नाथ जी के चरणों में बैठकर उन सारे ग्रंथों को वापस लिखें जो आप प्राप्य हैं, उसमें रसेंद्र मंगल, रसतनाकर और जो है रसारणव, रसारणव नाम रस तंत्र, आनंदकंद, इन सारे ग्रंथों का उन्होंने डिटेल दिया था, जबकि वो सारे ग्रंथ आज पब्लिश है। फिर उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि रसेंद्र नाथ जी स्वयं जो है इसी विज्ञान की मदद से वो सिद्धाश्रम गए थे और वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सद्गुरुदेव को अति शीघ्र पूरे 108 संस्कार सिखाए थे, मतलब उसको उनको जीवित जागृत डिक्शनरी कहा जाता है। इसलिए जो आज भी यंग एज में, यंग अवस्था में जिन सिद्धों का वर्णन आता है कि ये सिद्ध रस सिद्ध थे और इनकी मृत्यु नहीं, वो सिद्ध रस सिद्ध आज भी हैं। आज भी गढ़वाल के पास में जो है नागदमन एक पर्वत है, नागदमन पर्वत पे आज भी नाग बोधी जी का जो है निवास है जिनकी हजारों साल आयु है, और जो भी व्यक्ति पारद सिद्धों की, रस सिद्धों की पूजा करता है उसमें नाग बोधी जी का भी नाम आता है और वो हमारे सद्गुरुदेव के ना सिर्फ परिचित है बल्कि अभी तो कोई भी साधक थोड़ी सी साधनात्मक यदि ऊर्जा प्राप्त कर ले तो उनसे जाके मिल सकता है। लेकिन प्रश्न फिर वही कि आखिर ये समझेंगे कैसे, ये चीज करेंगे कैसे? नहीं है ना समझने की उत्सुकता लिए वाला, ना बताने की उत्सुकता। पहले शिविरों में अक्सर कई गुरु भाई ऐसे मिलते थे जिन्होंने स्वर्ण पात्र का निर्माण किया, ये किया, वो किया, आज लेकिन उन्होंने जब देखा मॉडर्न पीढ़ी को तो वो डर गए कि ये लोग सीखने के लिए नहीं, ये लोग सिर्फ लालच की वजह से इस रास्ते में।
लेकिन उस परिपाटी को हम सब लोगों को मिलकर बदलना है, हम सब लोगों को पूरा परिवर्तन लेके आना है। और इसके लिए जो एक चीज आपके रास्ते में बाधक बन सकती है वो है फाइनेंस। कि पहली बार शॉप में यदि किसी ने 15,000-20,000 दिया, दूसरे में यदि किसी ने 25,000-30,000 दिया, तो ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं था, क्योंकि 13 के बाद 14 भी होगा, 15 भी होगा, 16 होगा। जैसे जैसे संस्कारों की संख्या बढ़ते चली जाती है, वैसे वैसे इसका इसके ऊपर होने वाला इन्वेस्टमेंट भी बढ़ते चला जाता है। नहीं हो सकता था, संभव नहीं था इसके आगे के संस्कार करना। और रस शास्त्र कहता है कि जिसके पास धन नहीं है, जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं है, ऐसे व्यक्ति को जो जरा से में अपना धैर्य खो देता है, रस विज्ञान का या तंत्र विज्ञान का अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी सफल हो ही नहीं सकता। आलोचना करने वाला, तर्की कुतर्की अपने मन से क्रिया करने वाला अक्सर इस विज्ञान की बदनामी का कारण बनता है। वो खुद तो सफल होता नहीं है, दूसरे लोगों के बीच में भी भ्रम पैदा करता है कि ये सारे शास्त्र आज भी गलत है। पर ऐसा नहीं है, मेरी अपनी लाइफ और मेरे बहुत सारे ऐसे गुरु भाई हैं जो आगे जब वर्कशॉप में आपको देखने को मिलेंगे, जिनकी लाइफ इस बात का सर्टिफिकेट है कि आज भी तंत्र पारद विज्ञान जीवित है। हम किसी की एज से, किसी के पहनावे से ये बिल्कुल ना समझें कि इस व्यक्ति में नॉलेज की कमी होगी। हमारे सदगुरु ने ज्ञान बिखेरा है। आप आज एक भी पुराने गुरु भाई के पास चल जाओ और यदि वो देने के मूड में आ गए तो सदगुरुदेव का ऐसा ऐसा नॉलेज आपको गुरु भाई बन के दे सकता है जिस नॉलेज की आपने कल्पना भी नहीं की। आज वायु विज्ञान एक बहुत लोगों के लिए ताज्जुब वाली बात होती है कि नहीं, वायु गमन नहीं हो सकता, जल गमन नहीं हो सकता। सदगुरुदेव ने पुरानी पत्रिकाओं में सब दिया, सब कुछ लिखा हुआ है। जिसने हिमालय के योगियों की गुप्त सिद्धियां पढ़ा होगा, उसने तमाम उन सिद्धियों के बारे में पढ़ा होगा जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। जो भी गुरु भाई, जो भी हमारे भाई बहन जिनके पास फाइनेंस है और नहीं है, उनके लिए एक जैसी सारी व्यवस्था करने का स्वप्न मेरे दिमाग में था, और जिसके बारे में मैं अक्सर बाबा जी से, रागदास बाबा जी से और सदगुरु से प्रार्थना करता था कि मुझे हाँ बोला। जो पूरी सिद्ध मंडली है सन्यासी गुरु भाइयों की, उन्होंने बीड़ा उठाया कि हम आर्थिक रूप से जितने भी भाई बहन आएंगे उनका खर्चा हम वहन करेंगे जो भी कार्यशाला में, पर जो सीखने में पूरी तरह से इच्छुक हो, पूरी तरह से समर्पित हो, ऐसा एक भी व्यक्ति वंचित नहीं होना चाहिए। और आपको मैं बताऊं, 6 वर्कशॉप, 6 कार्यशाला आयोजित होनी है, और 6 कार्यशाला में हर व्यक्ति के लिए जो खाली बेसिक मटेरियल की कॉस्ट है वो 2,85,000 है। लेकिन अब से वो कोई टेंशन का या परेशानी का कारण नहीं है, क्योंकि जो भी यहाँ से सेलेक्ट होगा, यहाँ से जाएगा, उसके लिए ये निश्चित है कि उसका सारा खर्च हम वहन करेंगे। उसको 1 रुपये नहीं देना, कोई हिडन कॉस्ट नहीं, कुछ भी नहीं। वो गरीब है, अमीर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस 3 बातों का ध्यान रखना। पहली वर्कशॉप में मैं छोड़ खा चुका था, इसलिए क्योंकि वो जिम्मेदारी मैंने ली थी। हम अक्सर जिन लोगों को हमने बुलाया था, हम उनसे वर्कशॉप के दिन ही मिले थे या 1 दिन पहले मिले थे, उसके पहले मैं ना उनको जानता था ना मैं उनसे मिला था। दूसरी वर्कशॉप में भी यही था, दूसरी वर्कशॉप में भी मैं नहीं मिला था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि वर्कशॉप में मुझे ऐसे मेरे भाई मिले हैं कि जो आज भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे, और वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। लेकिन तीसरी वर्कशॉप में चूंकि हमारी गुरु बहनें भी आएंगी, एक दूसरी बात यह है कि दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता, मैं तो कोल्ड ड्रिंक से जल गया था, तो इस वजह से और पंगे हो जाते। तो अब हम सारे लोग हैं, हम सारे लोग एक दूसरे को अच्छे से देख लें। जैसा अभी अनुभिया ने बोला कि आप जिसने जो नाम पता चले टेस्ट ले लेते हैं, देख लेते हैं किसका क्या नाम है। तो हम में से लोगों ने सुना, लेकिन मैं देख रहा था जब पीछे वाले बोल रहे थे तो आगे वालों ने पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं समझी थी। उनको लग रहा था कि इंट्रोडक्शन भैया को चाहिए, इंट्रोडक्शन मुझे नहीं चाहिए। इस बार सारी वर्कशॉप के लिए सिलेक्शन हमारी नहीं होगी, हम नहीं करेंगे सारी वर्कशॉप की। यहाँ जो भी डिटेल होगी, जो भी सारी चीज़ें होंगी, उसके बाद में वो पूरा का पूरा सिलेक्शन पॉइंट जो है वो हमारे जो सन्यासी मंडली है उनके हाथ में रहेगा। और जिसका भी सिलेक्शन होगा उसको ना सिर्फ सूचित कर दिया जाएगा, बल्कि उसको कब आना है, कैसे आना है, ये भी बता दिया जाएगा। दिसंबर से वर्कशॉप स्टार्ट है, हर वर्कशॉप के बाद में सिर्फ 7 दिन का एक अंतराल है, और 7 दिन के अंतराल के बाद फिर दूसरी वर्कशॉप है। और इसके अलावा जो कार्यशाला का आयोजन हम कर रहे हैं, जो हमने रसशाला बनाई है, जो हमने लैब बनाई है, वो शमशान साधना के लिए भी हमने उपयुक्त कर ली है। हमें शमशान साधना के लिए भी बाहर कहीं नहीं जाना है, क्योंकि शमशान
कि जो भूमि थी जहाँ पे अब खेती होती थी उसको अधिग्रहित कर लिया, मतलब उसको हमने परचेज कर लिया है, तो हमारे पास अपनी जमीन है जहाँ निश्चिंत होकर शमशान जो है वर्कशॉप भी हम मठा, और जो भी भाई बहन गुरु भाई बहन वहाँ रह के कोई भी साधना करने चाहें और आज उससे संबंधित इंस्ट्रूमेंट यंत्र माला उपकरण और साहित्य उससे संबंधित विधान जो उपलब्ध नहीं हो वो सारा का सारा हम प्रोवाइड कर देंगे बगैर किसी कॉस्ट के, उनका खाना पीना भी फ्री और वो वहाँ रह सकते हैं जब तक कि उनको सक्सेस ना मिले। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हम करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा उद्देश्य कोई अर्निंग करना नहीं है, मेरा एक स्वप्न है, उस स्वप्न के लिए मेरे एक लालच के लिए आप लोग यहाँ पे आए, और वो लालच इतना है कि सदगुरुदेव 92 से लगातार बोलते चले गए थे कि मैं एक हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, मैं एक हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ जहाँ कोई मरता हुआ आए लेकिन वो उसकी बाउंड्री के अंदर आने के बाद मरेगा नहीं, और वो किसी एक विज्ञान से एलोपैथी से होम्योपैथी से या आयुर्वेद से वो चीज संभव है ही नहीं, उसके लिए तंत्रोपैथी यज्ञोपैथी और रस विज्ञान और ऐसे कई चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और वो एक कल्पना जिसके बारे में मैं जानता था कि मेरा सदगुरु जो चाहे वो उसके सोचने मात्र से पूरा हो सकता है, हो जाता है, उन्होंने आखिर वो सवाल हम लोगों के बीच में छोड़ के क्यों चले, क्यों उन्होंने हम लोगों के बीच में गुत्थी रख दी कि मैं एक हॉस्पिटल ऐसा बनाना चाहता हूं। और 98 तक उन्होंने लगातार जो भी शिविर में गया होगा पुराने उसकी या कैसेट सुन ले, उसमें उन्होंने बराबर उस हॉस्पिटल के बारे में डिटेल दिया है, और वो हॉस्पिटल आज भी सिर्फ एक कल्पना है। तो क्या वो हॉस्पिटल हम लोगों के चंदे से हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन से हो जाएगा? पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम लोग उस हॉस्पिटल को सिर्फ कलेक्शन से करें। 10 एकड़ की जमीन पे या उससे ज्यादा की जमीन पे जो है फैला हुआ एक हॉस्पिटल बिल्डिंग जिसमें मशीन्स और ये सारी चीजें लगभग 10,000 करोड़ रुपए की, 10,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। तो मुझे सिर्फ 10 गुरु भाई ऐसे चाहिए जो पूरी तरह से समर्पित हो, बाकी का काम मैं करूँगा, किसी से कोई पैसे नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ हम यहाँ पे किसी से किसी भी सन्यासी के बारे में कोई बात करने के लिए नहीं आए हैं, और आपको कभी नहीं सुनने को मिलेगा कि ये अमाउंट हमें चाहिए, किसी से कोई कलेक्शन नहीं, कोई 1 रुपए का कलेक्शन, सिर्फ साथ चाहिए, पूरी तरह से समर्पण चाहिए। रस विज्ञान, सूर्य विज्ञान, काल विज्ञान, आयुर्वेद, सम्मोहन और शमशान से संबंधित जितनी भी सारी सामग्रियां और सारे जो माध्यम होंगे, मीडियम्स होंगे, वो सारा प्रोवाइड करने का काम हमारा, उसमें कैसे आप सक्सेस पाओगे वो जिम्मेदारी भी हमारी, क्योंकि हिडन कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी ये नहीं होगा कि आपने यहाँ कर लिया और आप घर जाके नहीं कर पाओगे। तो उसके पहले सब लोगों का आपस में मिलना, मेरा आप लोगों को देखना, आपका मेरे को देखना, मेरे विचारों से कितने सहमत हैं कितने सहमत नहीं हैं, ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी। अक्सर जब 2008 से मैंने काम चालू किया था तो सबसे पहले एक टैग लगा था कि ये गुरुद्रोही है, मैं मेरे सदगुरुदेव से द्रोह नहीं कर सकता, मेरी एजुकेशन, मेरी बॉडी में, मेरे आत्मा में संस्कार उनके पड़े हुए हैं, मैं द्रोह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कभी गुरु नहीं बन सकता, कभी मैं दीक्षा नहीं दे सकता, ये मेरी अपनी प्रतिज्ञा है कि मैं कभी गुरु बन के या अपना पूजन करवा के ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे से बड़े बड़े मेरे गुरु भाई हैं, ग्रस्त गुरु भाई हैं, जो आज मेरे से कई गुना आगे, पता नहीं क्यों वो उनके मन में इतना क्षोभ और दुख है कि वो नए गुरु भाइयों से मिलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, इतना भय नए गुरु भाइयों को लेके, क्योंकि उनको मालूम है कि आज राजनीति का बोलबाला है, पहले राजनीति नहीं चलती थी आपस में। तो आप सब आइए, आप सबका वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस बात की कि आपस में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, व्यक्तित्व हल्का नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस बार गुरु बहनें आ रही हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, किसी भी गुरु बहन से आपको इंट्रोडक्शन लेने का कोई राइट नहीं है, ना आप उनके निकट रहोगे ना आपको बात करना, लड़कियां अलग रहेंगी, भाई और बहन जैसा जो व्यवहार सच में अपनी भाई सगे जो भाई बहन सहोदर होते हैं वही व्यवहार वर्कशॉप में चाहिए, नहीं तो जिसके भी व्यवहार में जरा सी भी आपत्ति पाएगी वो उसी क्षण निष्कासित होने के लिए स्वतंत्र है। फेसबुक पे भी जब हमने ग्रुप स्टार्ट किया तो उसके पीछे सिर्फ एक कारण था कि फेसबुक पे पहले बहुत सारी हमारी गुरु बहनें जो अपनी फोटोज नहीं डाल पाती थी, बहुत सारी बातें थी जिसकी वजह से खोली नहीं थी, रीजन था कि लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे, फ्रेंड नहीं चाहिए, फ्रेंड नहीं चाहिए, आप आपकी जिंदगी में अफेयर पनपाने के लिए बाहर देखिए, आपको फेसबुक पे या अपने जो ग्रुप में अपनी वर्कशॉप में अपनी कार्यशाला में यदि रहना है तो भाई बहन का ही व्यवहार रखना होगा, जो पति पत्नी कोई भी व्यक्तित्व का हल्का ना हो, एक दूसरे के विचारों से सहमत हो,
इसके लिए हम सब लोग यहाँ पे आए हैं कि आपस में हम मिलेंगे, प्लस छह वर्कशॉप किस किस चीज की हो रही है, और एक्चुअली में वो छह साइंस हैं क्या? शमशान वर्कशॉप भी है, पारद की प्रारंभिक वर्कशॉप भी है, और जो लोग पहले कर चुके हैं उसके आगे की वर्कशॉप है, और पिछले बार सबसे फर्स्ट हमने 40 डेज का सेशन लगाया था, 40 दिन में हमने विहंगम पद्धति से करवाया था, 40 दिन में हमने संस्कार करवाए थे, दूसरी बार कापालिक पद्धति से हुआ था, अब तीसरी जो है तीक्ष्ण कौल पद्धति जो तिब्बत में प्रचलित है उस पद्धति से, जिसका अक्सर जो है उच्च कोटि के सन्यासी प्रयोग करते हैं, वो सिर्फ 10 दिन की वर्कशॉप, 40 20 10, शमशान की वर्कशॉप सिर्फ 7 दिन की। हम इतने सारे विज्ञान में से सिर्फ एक सूर्य सिद्धांत भोपाल में नहीं होगा, सिर्फ एक, वो पचमढ़ी में होगा, क्योंकि पचमढ़ी में मात्र ऐसी शिला जिसपे सदगुरुदेव ने एक पूरा स्थान है सौंदर्य माँ का आश्रम है, जहाँ पे सदगुरुदेव ने स्वयं सूर्य विज्ञान की शिक्षा माँ को दी थी और खुद भी उस विज्ञान का प्रदर्शन है। बारिश हो ठंडो, एक वो प्लेस ऐसा जहाँ सूर्य की किरण दिन भर में एक बार जरूर गिरती है, एकमात्र विज्ञान हम पचमढ़ी में जाएंगे। उसके लिए भी आप लोगों को सिर्फ आने जाने का खर्चा लगाना है भोपाल तक, यहाँ से कैसे लेके जाना है क्या करना हमारी जिम्मेदारी है, तो किसी का बंधा हुआ नहीं है, आलोचना स्वीकार्य नहीं है, आलोचना करने वाले अपने अपने घर में, हमें उसके बारे में बहस नहीं करना, हमें वो लोग चाहिए जो करना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं बगैर पैसे लगाए, अपनी जिंदगी आप बनाओ इस विज्ञान को सीखने से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस जो आपने सीखा है जो आप अर्न करोगे उसमें से 25% तो हमारा है, वो 25% तो हम ले लेंगे, क्योंकि वो मेरे गुरु के स्वप्न को साकार करने में लगेगा, हमारे गुरु के स्वप्न को साकार करने में लगेगा, सिर्फ इतनी योजना है। और इसी योजना के कारण तंत्र कौमुदी मैगजीन और तंत्र कौमुदी के जितने भी ये ग्रंथ आ रहे हैं वो सिर्फ यही पर्पस है, तंत्र कौमुदी बुक है वो पब्लिश होगी तो उस पर अमाउंट का खर्च आता है, वो सारी चीज़ें होती हैं, तो वो तो ऑलरेडी सेल होगी, बाकी बुक ब्लॉग मैगजीन ये सारी फ्री हैं, और कोई भी कभी भी आके कैसा भी यदि कहीं फंस रहा है तो उसका उसके बारे में जानकारी ले सकता है, यदि हमें नहीं पता हमारे जो भी गुरु भाई होंगे वरिष्ठ गुरु भाई हम उनसे कंसल्ट करके या तो खुद बात करेंगे आपको करवा देंगे, लेकिन आप असफल नहीं होंगे, बेसिक से प्रारंभ होगा आगे तक के लिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। और ये मैं इस बूते पे बोल रहा हूँ कि मेरे पीछे मेरे वरिष्ठ गुरु भाई बहनों का ना सिर्फ आशीर्वाद है बराबर उनका मार्गदर्शन और साथ है ना, मुझे कहना इसके बाद में हम जो है एक एक के हर वर्कशॉप का क्या रोल है और हमारी हमारी खुद की लाइफ में क्या महत्ता है, क्या रोल है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं होगा कि काल विज्ञान क्या है, कायकल्प विज्ञान क्या है, या सम्मोहन विज्ञान होगा तो सम्मोहन विज्ञान क्या है, सम्मोहन विज्ञान मात्र 6 दिन की वर्कशॉप है, सिर्फ 6 दिन होता है, जिसमें आप फर्स्ट लेवल तक का किसी को भी सम्मोहित कर सकते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी में बहुत लंबा अभ्यास हो तो आप सेकंड लेवल तक कर सकते हो, पर थर्ड लेवल पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि थर्ड लेवल के लिए आपके अंतः मन और बाह्य मन का आपस में सामंजस्य बगैर विशेष बीज मंत्रों के संभव नहीं है। जैसे ही बीज मंत्रों के थ्रू कुछ विशेष क्रियाओं के थ्रू आप अपने अंतर मन और बाह्य मन को कनेक्ट करते हैं, आपकी बॉडी में एक पूरा सर्किट पूरा होता है, पूरा सर्कल बनता है, और ऊर्जा की वो गति पैदा होती है, ऊर्जा की वो मात्रा पैदा होती है जो अकल्पनीय है, जिसकी मदद से आप किसी को भी थर्ड लेवल का सम्मोहित कर सकते हो, चाहे फोटो के माध्यम से, चाहे उसके माध्यम से, किसी भी चीज़ के माध्यम से। पूर्व जन्म बहुत सहज है, तांत्रिक पद्धति है, वो ऐसी पद्धति नहीं है कि जिसका एक साइंटिफिक वे में बताया जाए कि ये ऐसा है, उसका पूरी एक फिलॉसफी है, लेकिन उस फिलॉसफी के साथ वर्कशॉप का मतलब ये है, जहाँ थ्योरी कुछ भी नहीं है, वर्कशॉप का मतलब ये है जहाँ प्रैक्टिकली आप समझोगे, प्रैक्टिकली आप करोगे, और यदि आपके पास कोई अचीवमेंट पहले से तो आप उसको शेयर करोगे, क्योंकि हम सब आपस में भाई बहन हैं और हम शेयर कर सकते हैं हर चीज़, अपने अपने विचार हम बराबर बता सकते हैं। आप फिर से इंट्रोडक्शन देना, क्योंकि अभी तक जिसने दिया है उस आगे पीछे वालों को पता ही नहीं होगा किसका क्या नाम, तो बहनों को मालूम होना चाहिए कितने भाई हैं और भाइयों को पता होना चाहिए कितनी बहन है। पीछे से एक रो से स्टार्ट करना, पहले पीछे वाले पूरे ये, फिर इस तरफ वाले, है ना, इसमें क्या है कंफ्यूजन होगा, और एक सेकेंड पूरा नाम स्लो धीरे धीरे बोलना, कहियों की इतनी स्पीड रहती है कि जेट फेल है उसके आगे, तो धीरे धीरे। मेरा नाम अमित कुशवाहा,
अब वो पीछे जिन एक सेकंड रुकेंगे, पीछे जो बैठे उनका नाम क्या है फर्स्ट वाले का? सेकंड, तीसरा? नहीं, गुप्ता तो समझ में आया, शॉर्ट फॉर्म है, पूरा नाम क्या है? सतीश गुप्ता। सतीश गुप्ता। आगे जो बैठे हैं उनके बाजू में? चलिए भाई फिर से बोलो भूपेंद्र जी। उधर वाले जरा बताओ, उस तरफ वाले, बाकी की दो रो वाले नाम बताओ आप मुझे, तो पता है। आगे वाले भी बोलो ना। क्या नाम है? मोहन भैया। बीच में जो बैठे उनका नाम क्या है? इधर इधर, भूपेंद्र भैया के बाजू? नहीं नहीं, शिवा के बाजू में। बाजू में किसने बोला? संजय। संजय का नाम याद रखो। अशोक यादव पाठक, बरेली यूपी से। गुरप्रीत पासवान। बिरजू पासवान। यादव दरभंगा। फिर से बोलो संतोष। संतोष कुमार उड़ीसा से। बोलो ना। संतोष कुमार उड़ीसा। रविंद्र सिंह दिल्ली से। प्रदीप चोपड़ा माना यूपी से। पवन पारिपत से। मैं राहुल त्रिवेदी से। यूस पारिपत। तो मेरा ख्याल है सबको थोड़ा थोड़ा तो याद हो गया होगा, थोड़ा थोड़ा नाम याद होगा। एक चीज विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ये पहले ये पोस्ट डाली थी और अभी फिर मैं उस बात को बता रहा हूँ, ये भी किसी की जाति, उसका शारीरिक रूप, उसकी आय, उसकी शारीरिक योग्यता पे किसी की कोई टिप्पणी नहीं करेगा आपस में, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम सारे लोगों को साथ रहना है और साथ रह के इस विज्ञान को आगे बढ़ाना है। हमें एक दूसरे की कमियों को भुला के एक दूसरे के जो पॉजिटिव पॉइंट हैं उनको ध्यान में रख के ही इस चीज़ को करना पड़ेगा। जैसे गुरु भाई हैं, नहीं आ पाए हैं, फॉरेन से थे तो उन्हें, उनके लिए थोड़ी सी, चूंकि उनसे मेरा व्यक्तिगत परिचय जिससे परिचय है उसके लिए बात थोड़ी सी अलग है, लेकिन यह है कि 6 वर्कशॉप का मामला था और 6 वर्कशॉप यदि हम 7-7 दिन की भी माने तो 3 महीने के अंडर में जो है 6 वर्कशॉप हमको करनी है मार्च तक। तो किसको जो है किस में भाग लेना है इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे, क्योंकि सारी वर्कशॉप एक से बढ़ के एक हैं, सारी कार्यशालाएँ एक से बढ़ के एक हैं, और ये कि मैं 6 सीख लूँगा, आपको आप अपनी समझ के हिसाब से भी चूज़ करना पड़ेगा कि आपको कौन सा रास्ता अपनाना है। ये भी एक वर्कशॉप साथ में हमारे रहने का, साथ में रह के अभ्यास करने का, उसके बाद तो आपको परिणाम मिल ही जाएगा कि निश्चित तौर पे उस विज्ञान को ना सिर्फ आप अच्छे से अप्लाई करने लग जाओगे, क्योंकि जितने भी लोग मैंने पहले बताया था कि हमारे साथ वर्कशॉप में रहे उनको पता है कि सिर्फ थ्योरी नहीं होती, प्रैक्टिकल है। वर्कशॉप का अर्थ ही होता है कि जहाँ थ्योरी नहीं हो प्रैक्टिकल हो, लेकिन हर वर्कशॉप की अपनी कुछ, अपने कुछ हिडन पॉइंट्स, हिडन स्किल्स होती हैं, कुछ सीक्रेट्स होते हैं जिसको सिर्फ उन्हीं लोगों को बताया जा सकता है जो लोग उस वर्कशॉप में शामिल होते हैं। तो जिसका जिसके लिए भी सिलेक्शन हो जाएगा, सब अपने अपनी मेल आईडी नोट करवा देंगे, मेल आईडी नोट करवाने के बाद में जो, अच्छा मेल आईडी आपस में शेयर जिनकी फ्रेंडशिप है वो बस करेंगे, बाकी कोई किसी की मेल आईडी से कोई लेना देना नहीं रखना। मेल आईडी आप जब यहाँ पे दे दोगे, मेल आईडी के थ्रू आपको वो जानकारी दे दी जाएगी भाई इस वर्कशॉप के लिए आप ऑलरेडी आए हो, इस वर्कशॉप के लिए आपको क्या तैयारी करके आनी है अपने घर से। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, शमशान की वर्कशॉप 7 दिन की, जो सबसे पहली वर्कशॉप 7 दिन की वर्कशॉप, लेकिन 7 दिन में सब कुछ संभव नहीं है, लेकिन उस चीज़ को संभव करने के लिए हम कर सकते हैं यदि आप उससे संबंधित नियमों को फॉलो कर लेंगे। तो एक साधक यदि उसकी 4 घंटे की सेटिंग नहीं है तो वो साधनाओं में आगे नहीं बढ़ सकता, ये तय है। इसमें अभी
एक तीन या चार दिन पहले एक प्रयोग जो है ब्लॉग पे आया है, विश्वामित्र प्रणीत दिव्य देश सिद्धि वाला। ये प्रयोग सदगुरुदेव बहुत पहले सदगुरुदेव ने करवाया था, बहुत पहले। और मैंने बच्चों की कमियां और उनके जो है उनकी जो भी खूबियां हैं उससे वो बहुत अच्छे से परिचित रहते थे, और बराबर उन्होंने कमियों को न्यूनताओं को दूर करने का प्रयास किया है और उन्हें समझाया। तो ये प्रयोग तो आप कर ही सकते हैं। इस प्रयोग के अलावा जो शमशान वर्कशॉप में शामिल होगा, कुछ ऐसी योगिक प्रोसीजर होती है जिससे आपकी आपकी बॉडी का लोअर पार्ट कमर से नीचे का वो लगभग इजी फ्लैक्स करने लग जाता है, लेकिन वो यहाँ नहीं बताया जाएगा, क्योंकि शमशान साधना के लिए आप एक बार में कौन सी योगिक क्रिया है कि जिसके थ्रू कौन सी शरीर की वेन्स है, कौन से पॉइंट है जिनको बीज मंत्रों से हील करने पे खुद आप हील करते हो, कोई दूसरा नहीं करता है, क्योंकि शब्दों का प्रवाह और प्रभाव सबसे होता है। किन बीज मंत्रों से को कितनी देर प्रेस करके कौन सी योग की मुद्रा बनाने से आपका आसन लंबे से लंबा होता चला। शमशान वर्कशॉप का फर्स्ट डे 6 घंटे न्यूनतम तो बैठ ही सकते हो, 6 घंटे, वो भी बगैर किसी भी प्रकार का आसन बदले, बगैर किसी प्रकार का आसन बदले। और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं, जो लोग चीन की एक पद्धति है जिसको एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर बोलते हैं, और अक्सर वो बहुत कारगर, उनको पता है कि हमारे हाथ और पैर में पूरी बॉडी के पॉइंट होते हैं जिनको प्रेस करके दमा मिर्गी हर चीज हर बीमारी को दूर किया जा सकता है। यदि हम बोलते हैं कि ये हमारी लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन है, और इससे पता चलता है कि व्यक्ति की आयु कितनी होगी, तो क्यों लाइफ लाइन इसको बोला गया है, इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है। तो फोर्सफुली रक्त देने के लिए और शरीर में रक्त को प्रवाहित करने वाली जो वेन्स है वो यहीं से निकलती है, सिर्फ इसी एरिया से। यदि अंगूठा एक झटके से काट दिया जाए तो व्यक्ति पागल हो सकता है और बहुतायत में तो मर भी सकता है। ये स्पेस जितना फैला हुआ होता है, जितना साफ होता है, इसका मतलब उस वेन्स पे उसका इफेक्ट उतना कम होता है बाकी चीज़ों का, और वो वेन्स उतनी पावरफुली ब्लड की सप्लाई सर्कुलेट करती है हमारी बॉडी में, सर्कुलेशन सिस्टम पे। इसी को कवर करती हुई ये लाइन है, इसका इस एरिए का ज़्यादा चौड़ा होना इस बात का सिंबल होता है कि व्यक्ति की लाइफ इतनी ज़्यादा जिएगी, इतना ज़्यादा जिए। ऐसे ही चीन की एक्यूप्रेशर पद्धति में, एक्यूपंक्चर पद्धति में, जो पुराने चीनी हैं उन लोगों को मालूम है कि गर्दन के पीछे एक पॉइंट होता है जिसको, आज भी जिन लोगों को चीन की कला पता होगी वो उनको मालूम है कि किसी को मारने के लिए सिर्फ वो एक पॉइंट को दबाते हैं और सामने वाला ऑन द स्पॉट खत्म हो जाता है, सॉफ्ट पॉइंट है, और यहाँ चोट करने से ज़्यादा चोट लगती है शरीर में। वैसे ही तंत्र में भी ये सारी पद्धतियां हैं, और यही पद्धतियां हमारे यहाँ से निकल के बाहर गई हैं, जिसका प्रयोग करके लोगों ने अपने जीवन को ऊपर उठाया है, और उन्हीं पद्धतियों का प्रारंभ होगा। शमशान साधना में किसी भी ऐसे व्यक्ति को परमिशन नहीं होती है आने की जिसकी सिटिंग 4 घंटे से कम हो, क्योंकि उसमें आसन बदलने का से तो मुक्ति है ही है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि व्यक्ति पूरे जीवन के लिए वह प्राप्त कर लेता है। तो जो फर्स्ट डे का प्रोसीजर है, फर्स्ट डे के प्रोसीजर में सबसे पहले यही एक बिंदु जिसका किस बीज मंत्र से शरीर के किस एक पॉइंट को कितनी देर तक हील करना आप आपकी आसन क्षमता बढ़ा सकते हैं ये देखा जाता है। शरीर का जो लोअर पार्ट है उसको कैसे स्ट्रांग किया जा सकता है, कैसे फ्लेक्सिबल किया जा सकता है ताकि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक बैठ सके और साधना कर सके बगैर हिले डुले, ये शमशान सेकेंड ये इम्पॉर्टेंट है कि व्यक्ति तांत्रिक गुरु पूजन में से अघोर गुरु पूजन यथासंभव कंठस्थ कर ले तो बहुत अच्छा। तांत्रिक तो अघोर गुरु पूजन कंठस्थ कर लेते हैं तो आपके लिए वो चीज़ बहुत ही ईजी हो जाएगी समझने और करने के लिए, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, हमें सिर्फ प्रैक्टिकल्स करने हैं, हमें प्रैक्टिकल करने हैं वहाँ पे, वहाँ थ्योरी की कोई जगह नहीं है। शमशान वर्कशॉप के लिए थ्योरी की जगह नहीं है। अगले दिन आपके आसन का जो है मैटर है, शमशान आप नहीं जा रहे हो, आसन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कैसे आप खुद कर सकते हो, कौन सी क्रिया है वो, अघोर गुरु पूजन का पूरा जो है नॉलेज होना कि किन मंत्रों से अघोर गुरु आवाहन होता है, अघोर गुरु ध्यान होता है। इसके अलावा कम से कम 51,000 की क्वांटिटी में व्यक्ति को अघोर मंत्र जो है
ओरिजिनल जो अघोर मंत्र है वो अघोर मंत्र किया हुआ होना चाहिए। अघोर मंत्र जो है ऑलरेडी पत्रिकाओं में बहुत बार पुरानी पत्रिका जो सतगुरुदेव की मंत्र यंत्र विज्ञान रही है उसमें है, तो आप उसमें देख सकते हैं। और 51,000 में होना चाहिए। आपको इस पर नहीं जाना है कि वो सिद्ध हुआ या नहीं हुआ, बॉडी में 51,000 के बाद में एक निश्चित जो है क्रिया होने लग जाती है। एक निश्चित समय तक यदि आप मंत्र का जप करते हो तो आपके शरीर पे उसका प्रभाव होता ही होता है। आप ये नहीं कह सकते कि उसका प्रभाव नहीं होगा। आपको सिर्फ 51,000 की क्वांटिटी पूरी करनी है, वो व्यक्ति जो शमशान साधना में आना चाहता है। क्यों? जब शमशान जागरण की क्रिया की जाती है तो शमशान जागरण की क्रिया करने के पहले शमशान सुप्त वही कर सकता है, उसी व्यक्ति को वो प्रक्रिया सिद्ध होती है जिसने अघोर मंत्र का जाप किया हो। अघोर का अर्थ ही होता है पूरी तरह से मुक्त, सभी प्रकार के पासों से जो मुक्त हो वही अघोरी हो सकता है। और अघोरी एक अवस्था है, अघोर एक अवस्था है, गंदा रहने को अघोरी नहीं बोलते। सतगुरुदेव ने मुझे भी विशिष्ट अघोर दीक्षा दी है, आदित्य है, आदित्य को भी मिली है, यहाँ अनुपिया है, ये और भी कई गुरु भाई होंगे जिनको दीक्षाएं मिली होंगी ये, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारे जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टाइल बदल गया, बल्कि हम पढ़े लिखे हैं, समाज के सामने एक हम नया दृष्टांत, एक नया रूप रख सकते हैं। और जिनको भी अघोरेश्वर भगवान राम के बारे में पता होगा, काशी में जो है क्रीम कुंड है बनारस में, वो लोग जानते होंगे कि उन्होंने पढ़े लिखे साधकों पर बहुत जोर दिया था। और अघोर साधना की जो अवधारणा है भोपाल में हमारे यहाँ हर साल जो है वो क्रीम कुंड की तरफ से जो अघोरेश्वर भगवान राम का जो मंडल है उसकी तरफ से सारे अघोरियों का सम्मेलन होता है। और वो सारे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। वहां आप जो है मुक्त रह के सारी क्रिया करते हो। सिर्फ ये है कि वहां किसी चीज की लज्जा नहीं होती, किसी चीज का भय नहीं होता है, किसी चीज का द्वेष नहीं होता है, किसी चीज का डर नहीं होता है, किसी चीज से घृणा नहीं होती है। और जिन चीजों से समाज घृणा करता है, जिन चीजों को वो अपवित्र मानता है कि शमशान अपवित्र है, वही की पॉजिटिव एनर्जी लेके आप आपकी लाइफ में डिवाइननेस लेके आ जाते हो। ये सिर्फ शमशान में संभव है। जो साधना आप 50 दिन तक करने पे आपके घर में सिद्ध नहीं हो सकती, वो शमशान में बैठ के मात्र एक दिन में सिद्ध हो जाती है, एक दिन में। वजह क्योंकि प्राण ऊर्जा की अधिकता सबसे ज्यादा यदि कहीं होती है तो या तो किसी शक्ति पीठ पे होती है या फिर शमशान में होती है, और पूरी पॉजिटिव एनर्जी होती है। आप उस अग्नि को अपवित्र कैसे मान सकते हो जिस अग्नि के थ्रू, जिस अग्नि से आपका शरीर वापस पंचभूत अवस्था में मुक्त हो जाता है, पंचभूत अवस्था में मिल जाता है। ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है शमशान वर्कशॉप का। और शमशान वर्कशॉप में भाग लिया हुआ व्यक्ति ही काल विज्ञान की, काल विज्ञान में चूंकि जो सबसे महत्वपूर्ण काल विज्ञान का दृष्टांत या पक्ष है वो ये है कि आप असंभव को भी संभव कर सकते हो। ऐसी यौगिक और तांत्रिक प्रक्रिया है कि आप असंभव को भी संभव कर सकते हो। तो ये सारी प्रोसीजर वही व्यक्ति काल विज्ञान में हिस्सा ले सकता है जिसने शमशान की वर्कशॉप में पहले दिन आसन स्थिरीकरण, आसन के लिए अपने शरीर को कैसे तैयार करना, आप मोटे हो, पतले हो, लंबे हो, नाटे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको वो प्रक्रिया पता रहना चाहिए कि कैसे शरीर को आप वापस जो है रिमोल्ड कर सकते हो, आप अपने शरीर को फ्लैक्स कर सकते हो कि वो पूरी तरह से बगैर किसी तनाव के बैठ सके। आपकी तैयारी होनी चाहिए कि आपको जो है अघोर गुरु ध्यान और आवाहन प्रक्रिया पता होनी चाहिए। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है 51,000 की क्वांटिटी में अघोर मंत्र होना ही चाहिए। आपके पास समय है? अभी हमारा नवंबर चल रहा है, दिसंबर से हमारी वर्कशॉप चालू होगी और उसके बारे में हम फेसबुक पे दे देंगे दिसंबर से, क्योंकि अभी हमारी कुछ तैयारियां हैं, वो तैयारी जो है उसे दिसंबर बीतते जाएगा। जनवरी के बाद ठंड बहुत तेज रहती है, जनवरी 20 से उसके पहले शमशान वर्कशॉप हमें पूरी करनी है। पहले दिन अघोर गुरु पूजन है, पहले दिन जो है आसन स्थिरीकरण की जो प्रक्रिया है वो है, दूसरे दिन शमशान जागरण का जो क्रम होता है वो आगे के बाकी के पूरे दिनों में चलेगा। दूसरे दिन आप प्रैक्टिकली ये चीज समझते हैं, हम सब साथ में रह के करेंगे कि कैसे अपने अपने स्थान पे, हम लोग सामूहिक जरूर करेंगे लेकिन सामूहिक का अर्थ ये नहीं है कि एक सर्कल में दो लोग बैठ जाए, पॉसिबल नहीं है, अपने पास बहुत बड़ा स्पेस है तो अपन तो किलो किलोमीटर दूर बैठाएंगे तो आराम से जो है एक एक व्यक्ति को रखना है। और उसको चूंकि अघोर गुरु ध्यान पता है,
अघोर गुरु आवाहन पता है तो वो कर सकता है। कैसे? अघोर पद्धति से गुरु पूजन आप करो, वो पद्धति आप ऑलरेडी एक बार तांत्रिक गुरु पूजन में पढ़ लेना, जिसके पास नहीं होगी बता देना तो उसको ई फॉर्मेट में करके हमारे बीच में हो गई। दूसरे दिन शमशान जागरण, सिर्फ शमशान जागरण और शमशान शुद्धिकरण। तीसरे दिन अघोर लक्ष्मी अघोर काल में रहो, अघोर लक्ष्मी और अघोर काल में रहो। और पांचवें छठे और सातवें दिन वीरभद्रेश और शमशान अधिक जो पूजन होता है और उनकी सिद्धि। ये पूरा क्रम 7 दिन की हमारी कार्यशाला है। जो 7 दिन की कार्यशाला में भाग लेने आएंगे उनको एक दिन पहले पहुंचना है। सिर्फ आपको हर बार आपका टिकट लगना है, टिकट के अलावा कुछ नहीं लगना है, वहां किसी चीज की टेंशन नहीं है। जो और है पारद की वर्कशॉप के लिए मैं आपको बता दूं कि पारद की वर्कशॉप में यदि कोई व्यक्ति एक बार में 10 दिन नहीं आ सकता तो वो 2 बार में 5-5 दिन, क्योंकि ये जो संस्कार है 13 संस्कार तक ये हम पारद के लगातार जो है हम करवाएंगे। और इसीलिए कि जो हमारे साथ पहले वर्कशॉप में शुरू की 2 वर्कशॉप में हमारे साथ थे, ये लोग अपने जो है साथ के गुरु भाइयों का सहयोग करेंगे। उसके लिए आप कहीं फंसते हो तो फिर हम लोग हैं, या हम लोग कहीं फंसेंगे तो फिर हमारे जो वरिष्ठ गुरु भाई हैं वो करेंगे। लेकिन ये सारी की सारी चीजें जो है शमशान साधना के बाद की, शमशान साधना के ये जो क्या प्रोग्राम है मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि शमशान साधना में अघोर लक्ष्मी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लक्ष्मी साधना के बाद में कुछ भी जो है असंभव नहीं होता है आर्थिक जगत में। जो प्रभाव आप पूरी तरह से दिवाली के पूजन के बाद भी नहीं ला पाते हो, दिवाली की साधना के बाद भी नहीं ला पाते हो, यदि उसी विधान को सही क्रम से अघोर पद्धति से शमशान में कर लिया जाए तो एक ही रात का विधान और पूरी तरह से सफलता मिलता। आपको यंत्र भी किसी चीज पे नहीं, आपको जमीन पे बनाना होता है, या जो मृतक वस्त्र सब वस्त्र कफन बोलते हैं उस पर बनाना होता है, वो सारी चीजों के लिए। और ये कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है जिसको आप पवित्र कह दो कि ये अपवित्र है, इसको घर नहीं ले जाया जा सकता, ये नहीं। आप शमशान में घुसते भी पवित्र हो के हो, नहा के ही आते हो, और शमशान से वापस जाते समय भी आपको पूरी तरह से स्नान करके ही जाना पड़ता है। अशुद्ध रहने को अघोर नहीं कहते, अघोर एक अवस्था है पासों से मुक्त रहने की। जब आंखों में हल्कापन नहीं होता है, मैं चाहे स्त्री के साथ हूं या पुरुष के साथ हूं, मुझे सिर्फ और सिर्फ दिखाई देता है कोई, तो वो उसकी आत्मा, ये अघोर होने की अवस्था। यदि हल्कापन है तो आप अघोरी नहीं हो सकते, अघोरी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, या कोई शमशान साधक किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। और इसकी आवश्यकता क्यों थी शमशान साधक की आवश्यकता? क्योंकि काल विज्ञान एक बहुत बड़ा विज्ञान है और मिरेकल है, जिसके बारे में जब हम लंच कर चुके होंगे, हम उसके बाद के सेशन में, अभी हम 3 पार्ट पे बात कर रहे हैं, पहला शमशान के बारे में, दूसरा पार्क के बारे में, और तीसरा जो है सम्मोहन के बारे में। लंच के बाद हम जो है कायाकल्प, सूर्य सिद्धांत और जो है काल विज्ञान के बारे में बात करेंगे। तो शमशान साधना से ही आपकी काल विज्ञान का बेस बनेगा, उस काल विज्ञान का, जहां बहुत सारे मिरेकल आप देख सकते हो, कर सकते हो। उपलब्धि ये नहीं होती कि मुझे सिद्धियां प्राप्त हो गई, उपलब्धि ये है कि मैंने सिद्धियों को डाइजेस्ट किया है या नहीं किया। जो जरा जरा सी बात में बिल्कुल फुंकारने लग जाए वो साधक नहीं हो सकता। सदगुरुदेव अपार सिद्धियों के जनक थे, स्वामी थे कहना गलत, जनक थे, उन्होंने सिद्धियों का निर्माण किया, लेकिन उसके बावजूद उनकी लाइफ स्टाइल बहुत नॉर्मल रही और अक्सर लोग धोखा खा जाते थे उनके साथ रहकर। लेकिन जब वो करवाते थे वो प्रक्रिया, और जिन लोगों को सिद्ध हुई है आज उन लोगों की लाइफ बदल गई है। तो नॉलेज से मतलब रखो, ये शमशान वर्कशॉप कहीं से भी हल्की नहीं है, क्योंकि आपको ये भय से दूसरी रात में ही भय से मुक्त कर देगी। एक बार जब आप आपके भय का सामना कर लेते हो उसके बाद बात खत्म हो जाती है, कोई वो नहीं। हम शक्ति की साधना करने बैठते हैं और पीछे फटाका फूटकर हम पूछ जाते हैं तो शक्ति आएगी कैसे? नहीं आ सकती। हम कैसे, हम यक्षिणी साधना के लिए बैठे हुए हैं और हमारे आसपास जरा से हलचल या किसी चीज की आवाज आती है और हम एकदम से चौंक जाते हैं। तो जिसका हम आवाहन कर रहे हैं वो पहले ही आपके मनोभाव से परिचित होता है। हमारा आसन स्थिर नहीं है, हमारा चित्त स्थिर नहीं है, हमारा खान पान, हमारे नेत्र, ये सब स्थिर नहीं है। आप मुझे बताइए कि कैसे साधनाएं सिद्ध होंगी? साधना सिद्ध होने के कुछ बेसिक रूल्स हैं, हम उनको फॉलो करेंगे तो होगा। यदि चाय हम बनाना चाहते हैं तो हमने जो है एक बर्तन लिया, उसमें पानी डाला, उसमें चाय पत्ती डाली, शक्कर डाली, और हमने उसको रख दिया स्टोव के ऊपर, चाय बनना है,
अब हमारी गलती कि हम गैस नहीं जलाते हैं या बर्नर ऑन नहीं करते, वो हमारी मिस्टेक है। लेकिन यही प्रक्रिया चाहे मीठी बनेगी या जो है हल्की बनेगी, वो डिपेंड करता है कि आपने क्वांटिटी क्या डाली। उसके लिए परफेक्टनेस चाहिए, लेकिन तरीका यही होता है चाय बनाने का। वो चाय ही बनेगी, दाल नहीं बन जाएगा ना इससे। तो तंत्र में भी ये है कि यदि आपने उसके बेसिक रूल को फॉलो किया, आप उसकी प्रक्रिया से परिचित रहे हो, तो 100% आपको अचीवमेंट मिलना है। हम लोग आधे नॉलेज से साधना करने बैठते हैं, पहले दिमाग में रहता है कि यार सक्सेस नहीं होगी इतने दिन की साधना। एक्चुअली अपनी बॉडी को उतने दिनों तक एक ही भाव भूमि पर रखना किसी के लिए भी बहुत टफ होता है। कोई नहीं रख पाता, हम स्थिर नहीं रह पाते। पारिवारिक जो दायित्व है, काम का वो है, हम ये बात भूल जाते हैं कि यार एक सक्सेस, चाहे वो लक्ष्मी साधना की हो या मैं बोल रहा हूँ एक जड़ी बूटी की कोई सफलता, एक कोई नुस्खा आपको पता हो जो व्यक्ति की कोई भी असाध्य बीमारी दूर कर सकता, कोई एक, आपने कोई भी एक अचीवमेंट पा ली, उसके बाद लाइफ आपकी बदल गई। आप पैसों के मामले में तो कभी गरीब नहीं रहोगे। तो क्या आप 21 दिन नहीं दे सकते? आप 40 दिन नहीं दे सकते? यदि जिंदगी बदलने की बात कर रहे हो तो क्या आप 40 दिन अपने आप को अकेला नहीं रख सकते? और नहीं रख सकते तो आप कभी सक्सेस भी नहीं हो सकते। यदि मैं साधना करना चाहता हूं तो मुझे खुद के लिए हार्ड होना पड़ेगा, कठोर होना पड़ेगा। खुद के साथ कोई दया, नो मर्सी, दया चलती ही नहीं है। और शमशान साधना इसी का आधार है। शमशान साधना में किसी साधक के लिए शमशान कोई दया नहीं करता, वहां नो मर्सी होती है, नो मर्सी, कोई दया नहीं। अरे हम हमारे घर में शमशान जागरण कर लेंगे या हम हमारे गांव में कर लेंगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर महीने के विशेष दिन, तिथि, उस तिथि को पढ़ने वाला वार, उसमें कौन सा शमशान अधिपति का कौन सा जो है रक्षक, कौन सा द्वारपाल जागृत रहता है, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। वो द्वारपाल सुन सकता है, देख सकता है या नहीं देख सकता है, वो लंगड़ा है, लूला है, विकृत है, किस से, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। यदि वो बहरा है, यदि वो अंधा है, तो आप जीवित बच के नहीं आ सकते। मुझे मालूम होना चाहिए कि आज कौन सा जागृत है, आज शमशान की परिस्थितियां मेरा फेवर करेंगी कि नहीं करेंगी, ये जानकारी होनी चाहिए। जिसको ये जानकारी नहीं है वो कर ही नहीं सकता शमशान साधना। वहां जाने के पहले आपकी अपनी तैयारी होती है। अभी आदित्य जो है 2.5 महीने का अच्छा खासा सेशन अटेंड सेशन करके आए हैं, और सुरपाणी के नाम से फेसबुक पे है ये, तो जो है इन्होंने शमशान साधना में, ये तो अकेले ही गए, सिर्फ हमारी बात होती थी और उसकी हिम्मत इतनी है कि उसका रोना गाना ये लगा रहता कि मेरे को बस वहीं बैठा के रखो आप, और उस चक्कर में उसका फोन नहीं उठाता मैं, क्यों जब फोन उठाऊंगा तो यही बात बोलेगा मेरे को वहां जाना है। तो उसको क्योंकि अब रस मिलने लगे, उसको पता है कि वहां पे क्या चीजें होती है। लेकिन चूंकि सामाजिक जो कानूनी ऐसी व्यवस्था है हमारे आसपास की कि शमशान में जाने वाले व्यक्ति को उचित नहीं, सही नहीं मानते, इसलिए हमने जगह ली है ऐसी जगह जहां पहले कभी गड़ा होगा कुछ, जहां 15, 20 साल, 25 साल तक सवदहन हुआ है, लेकिन उनकी प्राण ऊर्जा आज भी है। आज गवर्नमेंट ने शमशान की व्यवस्था कहीं और कर दी, तो हम हमारे खेत में हमारी एक पूजा, हमारी एक व्यवस्था कर सकते हैं। आज भी वो प्राण ऊर्जा वही है, आप जब आह्वान करोगे तो आज भी वो सारी चीजें जागृत होंगी होंगी। और एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि हर तिथि, उस तिथि को पढ़ने वाला वार, मान लो प्रतिपदा पड़ी किसी भी कृष्ण पक्ष की और उस दिन इतवार था, अगली बार प्रतिपदा पड़ी लेकिन उस दिन बुधवार है, तो द्वारपाल बदल जाते हैं, शमशान अधिपति की शक्तियां बदल जाती हैं। होते किनके जो है 64 ही हैं, एक इस दिशा में होता है, एक उस दिशा में। तो इस दिशा में यदि एक बहरा द्वारपाल खड़ा तो हमें इस दिशा से एंटर करने ही है, आज शमशान में हमें दूसरी दिशा से एंटर करना। तो ये सारा प्रैक्टिकल वे जो पता होना चाहिए, और इसको पता करने के बाद एक बार आप गलती करके देखो, फिर आपको बढ़िया मजा आएगा उसमें। जब तक आप गलती नहीं करोगे, मैंने कहा वो नो मर्सी, वहां कुछ नहीं, दया है ही नहीं उसके पास। जिसने एक बार अपने डर से साक्षात कर लिया, योग और तंत्र में बेसिक एक अंतर है, मैं योग तंत्र की बात नहीं कर रहा हूं, योग और तंत्र की बात कर रहा हूं। योग में बेसिक अंतर है कि योग इस चीज पे बेस बनाता है कि बोलता है चित्त वृत्ति निरोधा इति योगा, अपने मन की वृत्तियों का, अपने मन की इच्छाओं का, कामनाओं का निरोध कर लो, दबा दो, इसी को योग कहते हैं, इसी को योग कहते हैं। पर मेरे भाई आप एक बलून ले लो, उसमें हवा भर लो, यहां से आप दबाओगे दबेगा, लेकिन वो यहां से फूल जाएगा, उत्पन्न होना स्वाभाविक है, कहीं ना कहीं से आप विकृतता पाओगे। तंत्र बोलता स्वीकार उत्ति तंत्र समागम प्रोक्त सिद्धा भवती, मतलब जो तंत्र
को स्वीकार करता है, अपनी गलतियों को, अपने भय को, अपने मन की इच्छाओं को स्वीकार कर लेता है और उसका समागम कर लेता मन से, उसको सिद्धि मिलती ही मिलती, हमें मिलेगी ही मिलेगी। बस अब तंत्र एक्सेप्ट करने को कहता है ना कि आप एक्सेप्ट कर लो, आपको भय है एक्सेप्ट कर लो, काम भाव है आप एक्सेप्ट कर लो, आपको किसी से घृणा एक्सेप्ट कर लो, फिर जिस चीज को आपने एक्सेप्ट किया वही आपको मुक्त कर देगी। अंधेरे से डर लगता है, अंधेरे से डर का बहुत लेना देना है, अंधेरे से ही लेना देना, दिन में शमशान में जाने में किसी को डर नहीं लगता, क्योंकि बचपन से हम हमारे अंतर्मन में बिठाया गया है कि अंधेरे में बाबा रहता है काट लेगा, तो हम नहीं कर सकते। यदि नहीं बिठाया होता तो वो दिक्कत नहीं होती। आज फॉरेन के आप चाहे नेशनल ज्योग्राफी या इतने प्रोग्राम देखो, इसमें आप जब देखते हो कि वो लोग कैसे कैसे विचित्र जीव जंतुओं को पकड़ लेते हैं, वो बच्चे उनके खेलते हैं, रीजन उनके मदर फादर ने समझाया कि सुंदर है, वो सांप उठा के छिपकली उठा के कितना सुंदर है, हमारे तो देखते हम चप्पल उठाते कि इसको पहले मार देंगे, क्योंकि हमारे अंदर भाव हमारे ही परिवार वालों की ये हानिकारक है, ये लाभदायक है, वो ऐसा नहीं करते। पाश्चात्य संस्कृति का हमने कपड़ों का खुलापन तो लिया, उनके विचारों का खुलापन हमने नहीं लिया, उनकी उन्मुक्त प्रकृति हमने ये नहीं देखी है कि वो प्रकृति से जुड़ के, प्रकृति को नुकसान पहुंचा के नहीं, प्रकृति से जुड़ने में उनको मजा आता है, महीनों महीनों जंगल में रहने में उनको अच्छा लगता है, और हम थोड़े समय हमारे आसपास कोई नहीं देखे तो हम बेचैन हो जाते हैं। तो शमशान आपके इस कार्य को सहज कर देता है, वो आपको प्रकृति से जोड़ता है। कैसे जोड़ता है? अक्सर लोगों ने पढ़ा होगा कि शमशान जागरण के समय में पूरे शमशान से भूत प्रेत ये वो सब जागरण हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। होता यह है कि मुझे जिस एक चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है वो चीज मेरे आमने सामने रहेगी उस पूरे ड्यूरेशन में, उसी से रिलेटेड पूरी आत्मा है, उसी से रिलेटेड पूरा दिखेगा, क्योंकि यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो भय आपके अंदर विराजमान है वही भय बाहर से साकार रूप लेगा। और अक्सर मंत्र के विषय में एक बात कहा जाता है कि जो तांत्रिक शक्तियां हैं या मंत्र योग है कल्पना योग का साकार योग है। आप जिस प्रकार का ध्यान करते हो कि गणेश जी की सूंड और बाएं तरफ पड़ी तो प्रत्यक्ष होंगे तो बाएं तरफ ही रहेगी उनकी, क्योंकि आपकी कल्पना धीरे धीरे उन किरणों को संगठित कर देती है और संगठित करके रूप दे देती है। अब वो रूप दे दी तो आपने जो ध्यान किया था वही है। चीन वाले यदि ध्यान करते होंगे तो उनके जो भगवान प्रत्यक्ष होते हैं उनके गाल वाल दबे रहते होंगे, नाक चपटी रहती होगी। हमारे यहाँ पे हम लोग सुंदर भगवान की हमेशा कल्पना करते हैं तो वो सुंदर ही हमारे सामने आके खड़े होंगे, हमारी कल्पना वही शक्तियां हमारी कल्पना से साकार हो जाती है। आत्मबल हमारी इच्छा शक्ति, हमारी आत्मशक्ति से, अपनी आत्मशक्ति की अपनी इच्छा शक्ति की परख यदि करना हो व्यक्ति को तो उसको शमशान साधना करनी ही चाहिए। आप एक बार शमशान साधना में आप उतर गए तो उसके बाद आपको रस वही मिलेगा। आप वैराग्य में नहीं चल जाओगे लेकिन आप जीवन की निस्सारता से, जीवन की सत्यता से परिचित हो जाओगे कि वास्तव में जीवन क्या है। आपको चाहे जीते जी या मृत, जीवन से मुक्त होना है तो शमशान जाना पड़ेगा। शमशान जाए बगैर किसी की गति नहीं है, कोई ऊर्ध्व गति नहीं पा सकता। ऊर्ध्व गति पाने के लिए शमशान कंपलसरी। जो चाहता है कि मैं जेट की स्पीड से, सुपर जेनिक स्पीड से अपनी लाइफ में साधनात्मक प्रगति करूं, उसको साधनात्मक प्रगति के लिए शमशान साधना करनी पड़ेगी कंपलसरी। आप करोगे शमशान साधनाओं की फलीभूतता आपके सामने आएगी। डर कौन सा शमशान जागरण होगा? आपका अपना भय। यदि मुझे चूहों से डर लगता है तो मेरे आसपास बस वही दिखेंगे मुझे। लेकिन ये भी एक सत्य है कि आपने जो अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ शक्ति से मंत्र योग से आपने आपके आसपास जो घेरा बनाया होता है वो कभी वो क्रॉस नहीं करते, वो कभी उसका उल्लंघन नहीं करते, वो हमेशा उसके बाहर ही रहेंगे। और वो होता सिर्फ एक आभास है, वो वास्तविकता नहीं होती। मैंने कहा ना कि आपकी कल्पना साकारों के सामने जाती है। जैसे ही आप देवी देवताओं के मुंह से तथास्तु सुनते हो उसका तो इनविजिबल क्यों हो जाते हो? क्योंकि आप उनके मुंह से सिर्फ उतना ही सुनना चाह रहे हैं। आपने सुना और आपकी उच्च शक्ति अब उनको अणुओं में विखंडित कर देती, अणुओं का विखंडन हुआ वो शक्ति गायब, वो प्रॉमिस कर देती कि मैं वापस आऊंगी। चूंकि वो इनर है, आपके अंदर है, एक पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर लेके चल रहे हो, एक पूरा पूरी पृथ्वी नहीं, पूरा का पूरा यूनिवर्स आपके अंदर है। आप बाहर यात्रा नहीं करते हो, आप अंदर यात्रा करते हो, लेकिन आपको लौकिक दृष्टि से लगता है कि मैं बाहर जा रहा हूं, तो उस बाहर को आपको अंदर से जोड़ना है। और ये प्रक्रिया सिर्फ शमशान साधना में ही हो सकती है। और याद रखिए, हम चाहे किसी वर्कशॉप में जाएं, हम कोई भी साधना कर लें, कोई भी प्रयोग कर लें, सद्गुरुदेव की ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा ही हमें हमारी साधना में पूर्णता दिलाती है। हमारा चित्त साफ हो, हम हमारे सदगुरु के प्रति समर्पित हों,
उनके अलावा किसी के चरणों में हमारा शीश ना झुके, सिर्फ वह हमारे जीवन के प्राणाधार हो, उनके प्रति कर्तव्य की भावना हो, सफलता आपको मिलेगी। एक बार आप आपके भय से उनकी सब उनकी कृपा से आप मुक्त हो गए, सिर्फ एक एक रात के वो पल जहां आइंस्टीन का एक सिद्धांत काम करने लग जाता है सापेक्षता का, कि मतलब जलते हुए तवे के ऊपर रखी हुई आपकी एक मिनट की उंगली और बहुत अच्छे मोमेंट में आपकी पूरी रात, ये दोनों एक बराबर होते हैं। यदि आप किसी बहुत अच्छे मोमेंट में हो तो एक रात एक मिनट जैसी घटती है, कब निकल गई पता नहीं चलता। आप अपने सबसे किसी चाहते व्यक्ति के साथ रहो तो ऐसा होता है, और वैसे आप तवे के ऊपर जब रखते हो उंगली एक मिनट के लिए तो एक रात भी भारी पड़ जाती, इतनी देर कब लगता है वहां। यही सिद्धांत शमशान में काम करता है। आप आपके भय से जैसे जैसे कितना कांपोगे, बस आपको इतना ध्यान रखना है मुझे उठ के नहीं निकलना, होगा कुछ नहीं, लेकिन आपकी मानसिक अवस्था विकृत रहे क्योंकि आपके मन में वो डर समा गया और आप उसका सामना नहीं कर पाए। इसीलिए हमने जन्म कुंडलियां बुलवाई थी, इसलिए हमने फोटोज बुलवाए थे। इसका भी जो लोग भी उसके लिए सेलेक्ट होंगे वो सारे लोगों की एक बार फिर जन्म कुंडली और वो जो है हमारे पास आएगी। लेकिन सारा प्रोग्राम हम वर्कशॉप के पहले ही कर लेंगे। वर्कशॉप में चाहे 5 लोग आए चाहे 50 लोग आए, लेकिन जो भी आएगा ये पक्का है कि वापस वो वैसा नहीं जाएगा जैसा वो आया है। हमने हमारे सदगुरुओं के साथ रहकर वो अचीव किया है, और वही एज ए गुरु ब्रदर एज ए भाई मैं वो सारी चीजें शेयर करना चाहता हूँ अपने भाइयों के साथ। तो यही प्रक्रिया है उन 7 दिनों की, उन 7 दिनों में यही क्रियाएं होंगी। लक्ष्मी कंपलसरी, सदगुरुदेव जब भी कोई शिविर करवाते थे तो हर शिविर में उनका एक प्रयोग मनोकामना पूर्ति और एक प्रयोग जो है लक्ष्मी साधना के ऊपर आधारित रहता था, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कि उनका शिष्य किसी के आगे हाथ पैर जोड़े या हाथ फैलाए। आर्थिक रूप से पूरी तरह से निर्भर होने की प्रक्रिया लक्ष्मी साधना के बगैर संभव नहीं है, और अघोर लक्ष्मी साधना इज द बेस्ट मेथड बेस्ट प्रोसेस फॉर योर फाइनेंशियल कंडीशन। यदि आपको अप करना है ग्रो करना है तो, और एक रात के साथ सिर्फ एक रात। कौन सा यंत्र है जो जमीन पे उत्कीर्ण होता है उन भस्म में, वो क्रियाएं वही आप समझ सकते हो। क्योंकि ये नहीं है कि मैं कोई पहला बंदा हूं, मैंने कलेक्शन किया है, मैंने सारा करेक्ट किया है। इसके अलावा सदगुरुदेव की बेसिंग रही है कि जब पहले जो पुराने गुरु भाई उनको पता होगा कि सदगुरुदेव अक्सर सामूहिक शमशान साधनाओं का आयोजन करवाते थे, अक्सर बस्ती फैजाबाद में हम लोग जाते थे, और वहाँ पे जो है पुराने हमारे गुरु भाई जैसे बनर्जी भैया वगैरह ये लोग थे वगैरह, ये बहुत सारे हमारे गुरु भाई थे, ये सारे इकट्ठा होते थे और इन सबको सदगुरुदेव का ही जो आगे रहते थे कि शमशान साधनाएं कर रही है, तो सामूहिक रूप से ही होती थी। फिर उसके बाद में जब एक बार आप सामूहिक रूप से कर लेते थे, या जिसने भी अघोर दीक्षा ली हुई होती थी उसको यही आज्ञा होती थी कि शमशान में जाके इस मंत्र को इतना करके आना है। और सभी महाविद्याओं के जो प्रयोग है 6-6 महीने के, 7-7 महीने के, जीवन जीवन भर लगा के जो महाविद्या सिद्ध करने की कोशिश करता है, शमशान क्रम से अघोर पद्धति से उन्हीं महाविद्याओं को बहुत जल्दी सिद्ध किया जा सकता है। तो साबर पद्धति या अघोर पद्धति, इसमें पूर्ण तांत्रोक्त मंत्र चलता, उच्चारण अक्षर वही लिखा रहता है, उच्चारण बदल जाता है उसका, और आपको वो बेसिक उसका जो भी उच्चारण है वो उच्चारण समझने की जरूरत है कि उसका उच्चारण है क्या। एक बार आपने वो चीज समझ ली तो लक्ष्मी हो या वीरभद्रेश हो या शमशान आदिप हो, ये सारी चीजें सहज हो जाती है। वीर बैताल जैसी साधना भी सहज हो जाती है, क्योंकि किसे डर लगना चाहिए, हमें हम निखिलेश नंदन जी के शिष्य या उसे जिसको हम सिद्ध करना है उसको डर लगना चाहिए। हम हमारे हिसाब से एक नॉर्मल लाइफ वाले व्यक्ति हैं, नॉर्मल साधक हैं। मैं पूछता हूं जब सदगुरुदेव ने आपको दीक्षा दे दी, जब आप सदगुरुदेव के शिष्य हो आप नॉर्मल हो कैसे, जबकि बड़े से बड़ा सन्यासी इस बात के लिए तरसता है कि मुझे सिर्फ वो एक बार दीक्षा दे दे, गुरु दीक्षा, बाकी दीक्षाओं की बात नहीं हो रही, एक बार वो दीक्षा दे दे तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि जैसे ही आप तांत्रिकों के बीच में खड़े होकर बोलते हो कि मैं उनका शिष्य हूं, उसके बाद उन लोगों की नजरें आपके सामने नीची हो जाती, और हम हमारी जिंदगी मुर्दों के जैसे जी रहे हैं, बिल्कुल लोगों के सामने हाथ फैला के गिड़गिड़ाते हुए। घर में परिस्थितियां विपरीत हैं, पत्नी से लेके ये वो सब जमाने का रहेंगी विपरीत, क्योंकि हमको उनको संभालने का तरीका नहीं पता है, हमें नहीं पता कि कैसे हम कहीं बैठे हैं और सिर्फ हमारी और लोगों का ध्यान केंद्रित हो, हमें नहीं पता कि कैसे पूरी भीड़ सिर्फ हम हमारे बारे में सोचे, हमें नहीं पता है कि कैसे हम घर में रहें पूरा एनवायरमेंट सिर्फ हमारे अनुकूल हो, और हमारा कोई भी चिंतन वहां गलत नहीं होता,
हम ये नहीं कि हम गलत कर रहे हैं और हम दबा के रखना चाहते हैं लोगों को, ये वाला भाव कहीं पे नहीं। भाव ये है कि हम सही है, मैं परिवार में साधनात्मक माहौल चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा परिवार, मेरा बच्चा मेरे अनुकूल चले। आज बच्चा पदभ्रष्ट है, हम लेके वो टेंशन में, जब तक औलाद नहीं होगी तब टेंशन में थे, अब हो गई तो टेंशन में कि वो हमारे अनुकूल नहीं चलता, तो नहीं चलेगा, क्योंकि साधना का बल नहीं है। आप गिड़गिड़ा रहे हो, आप जज के आगे पीछे जा रहे हो, वकील के आगे पीछे जा रहे हो, आप अपना मकान खाली करवाने के लिए परेशान हो, ये सब तो बहुत सहज क्रिया है, बहुत सहज, इससे सहज कुछ हो ही नहीं सकता। पता होना चाहिए ना आपको तंत्र का, कि बेसिक तंत्र क्या है। जिसको तंत्र समझ में आ गया एक बार, वो तंत्र की किसी भी क्रिया को कर सकता है, क्योंकि बेसिक कभी नहीं बदलते हैं। कंप्यूटर का बेसिक वही है कि इस बटन से स्टार्ट होता है, इस बटन से पासवर्ड डलता है, इस बटन से ओके होता है, यहाँ से एक्सप्लोरर खुलता है, यहाँ से जो है नई नई कमांड्स आती है, राइट की से ये होता है, लेफ्ट की से होता है, और ये हर कंप्यूटर में लागू होगी ये चीज, आपने नई नई बना दी हो तो। बाकी बेसिक यही चीजें रहेंगी, इन बेसिक चीजों को जो फॉलो करेगा वो अपनी लाइफ में अचीवमेंट पा सकता है। हमें से बहुत हैं जिनके लिए त्रिपुर भैरवी साधना का, जिनको पता ही नहीं है कि त्रिपुर भैरवी साधना क्या है, छिन्नमस्तक साधना एक्चुअली क्या है, क्योंकि छिन्नमस्तक के बारे में कितना पढ़ा है, शीश कटा है, ये तीन पेज है और तीन पेज में आपने समझ लिया, बेसिक चीजें आपने कहां समझ ली। आपको यदि कोई देवी देवता किसी महाविद्या का एक रूप दिया है, तो आखिर उसके उस रूप के प्रति, उस रूप के पीछे क्या अवधारणा छुपी हुई है, क्या चिंतन रहा होगा किसने उस रूप की व्याख्या की होगी, उस रूप का निर्माण किया होगा, क्या कंडीशन रही होगी कि जिसकी वजह से आप ये बात समझ सकते हैं कि यार इनके इस रूप से इस बात का लेना देना है, इनके इस कलर से इस चिंतन का लेना देना है, ये हमारे लिए ये कार्य कर सकते हैं। अपने मनोनुकूल, अपने जो है अभिष्ट देवी देवताओं को चयन करना, ये साधक का अधिकार है, देवी देवताओं का अधिकार नहीं है। सदगुरुओं ने आपको किसी महाविद्या में नहीं बांधा, किसी महाविद्या, उन्होंने कहा तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं साथ में खड़ा हूं। आप किसी को भी सिद्ध कर सकते, किसी को भी, लेकिन आपको उसका बेसिक पूरा पता होना चाहिए कि ये महाविद्या क्या है, ये शक्ति क्या है। अब लक्ष्मी जी से आप शत्रुहंता का कार्य करवाओगे तो कभी नहीं करेंगे, सरस्वती जी से आप फाइनेंस के लिए बोलोगे लोन दे दो तो कभी नहीं देंगे आप, क्योंकि उनका एक कार्य क्षेत्र, वो आपकी इनर शक्ति है, एक जो मस्तिष्क पर नियंत्रण करती है, एक जो क्रिया शक्ति पर नियंत्रण करती है, एक जो प्राण शक्ति पर नियंत्रण करती है, प्राण शक्ति पे महाकाली, मरण शक्ति मानसिक शक्तियों का जो है वो सरस्वती का नियंत्रण, क्रिया शक्ति वो पूरी तरह से डिपेंड करती है लक्ष्मी जी पे। क्या काम करवाना है, हमारी कौन सी शक्ति को प्राकट करवाना है, ये सारा बेस है तंत्र का। और तंत्र हमें जो लगता है कि हम पढ़ते हैं पत्रिकाओं में, किताबों में, या मार्केट की जो बुक्स हैं इनमें लिखा है तंत्र, तो आप लोग पूरी तरह से गलत हो। एक्चुअली में तंत्र तो पांच प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ही प्रारंभ होता है, और उसमें से शमशान साधना तीसरे नंबर पे आती है, तीसरे नंबर पे है, यदि कोई उसको क्रॉस कर ले तो ही उसके बाद वो शमशान साधना के बाद ही वो आगे के तंत्र कार्यों में आगे जा सकता है। हमें लगता है यंत्र हमने सामने रख लिए, कितना यंत्र आप लोग सामने रखोगे, कितने यंत्र आप सामने रखोगे और कितनी बार करोगे, जबकि आपका शरीर पूरी तरह से ब्रह्मांडीय यंत्र है, तो आपको नहीं पता, क्योंकि आप एक्टिव नहीं हो। आपने कभी अष्टांग योग या जो षडंग योग समझे ही नहीं है कि क्यों आसन को महत्वपूर्ण माना गया है, क्यों कहा गया है कि आसन कंपलसरी, यम नियम आसन, ये आठ पक्ष दिए, इन आठ पक्षों को जो आदमी समझ लेता है उसके बाद उसके पास कुछ भी बाकी नहीं रह जाता, साधना है उसके लिए आसान, इन आठ के बाद है साधना। और हमारे लिए साधना पहले, और हम बोलते भैया बैठते नहीं बनता, दो घंटे में पैर की हालत खराब हो जाती, उठता पैर सुन्न हो जाते हैं, तो चलते नहीं बनता मेरी बात, तो नहीं बनेगा, क्योंकि आपका आपके शरीर पे नहीं, शरीर का आप पे नियंत्रण है, आपका आपके मन पे नहीं, मन का आप पे नियंत्रण है। और जब तक आप किसी के गुलाम रहोगे, आप उसी के अकॉर्डिंग चलोगे, आपको कोई सेव नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, कहीं से भी नहीं, आपको सेव होना है, आगे बढ़ना है, तंत्र साधनाओं में गति करनी है, तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको अपने भय से जो भी आपकी न्यूनता है, कमजोरी, आपको उससे खुल के एक्सेप्ट करना होगा, जिसको कन्फ्यूज बोलते हैं हम, कि यार मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं यहाँ कमजोर हूँ, मुझे ये परिस्थितियां मेरे सामने बनती और मैं यहाँ पे तकलीफ में आ जाता हूँ, तब आपको उससे संबंधित उपाय पता चलेंगे ना। वो सदगुरुदेव है हमारे लिए हमेशा, तो पहली वर्कशॉप शमशान वर्कशॉप रखने का कारण ही ये कि आप आगे की तंत्र साधनाओं को समझो। जो डरा हुआ रहता है वो
वो कैसे किसी सिद्धि को प्रत्यक्ष कर सकता, आप एक बार सोच के तो देखो कैसे। सदगुरुदेव ने ऐसे मंत्र दिए कि आप शमशान में उसका पूर्ण तांत्रिक भाव से सिर्फ 2 घंटे 1.5 घंटे 3 घंटे आप जब करो, आप संबंधित देवी देवता को प्रत्यक्ष कर सकते हो। मैंने प्रत्यक्ष कहा है, सिद्ध नहीं कहा, मुझे देखना है यार, मेरी सिर्फ इच्छा माँ जगदम्बा को देखने की, तो मैं देख सकता कि कैसा रूप उनका दिखता है उन 3 घंटों में। बहुत बड़ी उपलब्धि है, नॉर्मल बात ये भी नहीं है। अभी मुझे याद है कि ये वाला अंक हमने निकाला था, निखिल साहिब जी वाला, इसमें हमने बहुत दिल खोल के हमने सारी प्रोसीजर लिखी है, लिखने की बिल्कुल तमन्ना नहीं थी, हम ये अंक कभी चाहते नहीं थे कि निकालें, परंतु फिर भी हमने निकाला, सिर्फ इसलिए क्योंकि कई बार हमारे गुरु भाई बोलते हैं कि यार हमको सतगुरुदेव से मिलना है, हमें उनसे देखना, ये कोई सामान्य सी उपलब्धि नहीं है सब उनका स्वप्न में आना। आप सब लोग किसी ना किसी देवी देवता का पूजन करते होंगे, आप जिसका पूजन करते हो कितने बार आपके सपने में आया है, कितने बार? शंकर जी को जल चढ़ाते चढ़ाते पूरी जिंदगी बीत गई, शंकर जी सपने में नहीं आते, दुर्गा जी सपने में नहीं आती, क्यों? क्योंकि ये पराशक्तियां हैं, आपका अंतर्मन इनको नहीं पकड़ सकता, ये परातत्व है, ये परातत्व है। आपका मन जो है, चाहे वो सम्मोहन विज्ञान हो या प्राण विज्ञान हो, सिर्फ आप परा को पकड़ सकता है जो आपके अंदर है, परा शक्तियों को नहीं पकड़ सकता। सद्गुरुदेव परा परा महाभूत शक्ति है, वो ऐसे किसी के स्वप्न में नहीं आते, चाहे उनके बारे में लाख सोचते रहो, उनकी जब इच्छा होगी तब, और उनकी इच्छा होती है यदि आप तंत्र का सहारा लेते हो। कि कहा जाता है कि सर्वे ग्रह मंत्राधीनश्च मंत्राधीनश्च देवता, सब मंत्रों के अधीन है, उन्होंने ही ये प्रक्रिया बताई है कि कैसे मुझे बुलाया जा सकता है, कैसे आप आपके गुरु से हट पूर्वक जिद पूर्वक आप किसी दीक्षा को ग्रहण कर सकते हो। और लोगों के लिए ये बहुत नॉर्मल लगा था, बहुत नॉर्मल, मैं बोलता हूँ आप जिसकी पूजा करते हो आप मुझे बताओ कि पूरी लाइफ में कितने बार आपको उनके स्वप्न आए और आपने उनके साथ में जो है बैठ के आपने जो है खाना खाया, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपका आपके अंतर्मन में इतनी ताकत है नहीं कि वो पर तत्व को ग्रहण कर सके। हम इतनी इतनी सी चीजों के लिए गिड़गिड़ाते हैं, इतनी इतनी सी चीजों के लिए, मेरा ये भाग्य मेरा वो भाग्य, वो मेरे से दूर जा रहा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा, ये नहीं, हम ये भूल जाते हैं कि तंत्र कुछ भी पॉसिबल कर सकता है, कुछ भी। क्यों? क्योंकि आपकी अदम्य इच्छा शक्ति ही तो सारी चीजें करवाएगी ना। उस अदम्य इच्छा शक्ति के लिए कुछ विशेष मंत्र होते हैं, उन अक्षरों का आपस में संयुग्मन होता है, उनकी आपस में जो है उनका जुड़ाव या वो ऐसे बने होते हैं कि जो एक विशेष प्रकार की तरंगे और वाइब्रेशन आपके आसपास निकालते हैं, शक्ति निकालते हैं, जिसके थ्रू आपका काम ईजी हो जाता है। 3 लोग जाते हैं, एक जाके अंदर बात करके आता है, उससे एग्री नहीं होता, TC से मुझे टिकट करवानी है, मेरे पास है नहीं, एक गया कुछ नहीं हुआ, 2 गया कुछ नहीं हुआ, 3रा जाता है और वो जाके कुछ बोलता है और TC बोलता है कि ठीक है उस बर्थ पे जाके बैठ जाओ, तो क्या था उसकी पर्सनालिटी में कि बाकी 2 के पास नहीं था, वो गया और हो गया। हम अपनी प्रेमिका, अपने प्रेमी, अपने पति, अपनी पत्नी के आगे गिड़गिड़ाते रहते हैं सुखों के लिए कि तू पीस दे या तू मेरे लिए समर्पित रहे, वो नहीं रहेगी। रीजन है आपकी पर्सनालिटी में कमी है, तब आप दबे हुए। यदि आप तंत्र का सहारा लोगे तो आप अपने जीवन में ना सिर्फ आत्मसम्मान से जी सकते हो, बल्कि एवरीथिंग, जो कुछ भी आप चाहते हो वो सब कुछ आपको मिल सकता है। लेकिन मैंने आपसे बेसिक कहा कि तंत्र प्रारंभ ही होता है शमशान साधना के बाद। गलत फहमी में है वो लोग जो ये कहते हैं कि शमशान साधना के पहले तंत्र है। आप शमशान में जाके हमेशा अपवित्र क्रिया नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि जो दक्षिण मार्ग है वो शमशान जा ही नहीं सकता। शमशान वस्तुतः प्राण शक्ति की पूजा का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, जहां सबसे ज्यादा पीस है। क्यों शमशान को चुना गया किसी चीज के लिए? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण सिर्फ इतना था क्योंकि वहां पर एक इतनी शांति होती है कि एक सामान्य मनुष्य वहां आपको डिस्टर्ब करने नहीं जाएगा, वहां किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आपके सामने आएगी कभी भी, कि वहां आप आसानी से बैठ के साधना कर सकते हो, बहुत ही सहजता से, कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, कोई परेशानी आपको कोई देने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि वह एक ऐसा स्थान है जिसको लेके एक निराधार भय हम हमारे मन में लेके चल रहे हैं, और वो भय हम आने वाले समय में अपने बच्चों को भी देके जाएंगे, और जब तक ये होगा आप प्रगति नहीं कर पाओगे, आप तंत्र को समझ ही नहीं पाओगे।
जो आज कहता है कि शमशान वमशान नहीं जाना वो गलत है। शमशान आप कहीं भी क्रिएट कर सकते हो। शमशान का अर्थ ये नहीं होता है कि वहां पे जो है अब मुर्दानगी छागी। शमशान का अर्थ है पीस, डिवाइन पीस, किसी भी एक जगह पे आप क्रिएट कर सकते हो। और एक बार जब आप क्रिएट करना सीख लेते हो शमशान की, उसके बाद में आप आपके कमरे में भी वो माहौल बना सकते हो जितने दिन आप बैठो। पता होगा सबको, उन्होंने 1998 में जो है मार्च अप्रैल का एक अंक निकाला था, उसमें उन्होंने तीव्र महाकाल दीक्षा के बारे में बताया था, जिससे शक्ति रूपी चिता आपके हृदय में प्रज्वलित हो जाती है महाशमशान को स्थापित करके। आप फिर जहाँ बैठो वहाँ पे ही वो सारी शमशानिक क्रियाएं आप संपन्न कर सकते हो। लेकिन एक बार पहले मुझे बाह्य शमशान से एकाकार होना पड़ेगा, तब मैं अपने अंदर के शमशान को समझ पाऊंगा। आज ही क्यों और इतने ही लोगों के बीच में क्यों? फ्री का सुनने के बाद तो मेरे ख्याल से वो पीछे पूरी लाइन भरी हुई होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, चुना जाता है आपको। आप अपने मन से नहीं आते हो ना, कहीं नहीं आते हो। कोई कहीं से, किसी की जर्नी 31 तारीख से चालू हुई होगी, किसी की 1 तारीख से चालू हुई होगी, और आज सब मिलने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए, तो उसके पीछे कारण है कि यदि वो युग क्रांति लेके आना चाहते हैं, वो चेंज करना चाहते हैं, तो ये उनकी मर्जी है। भाई आप तो तब ठगे जाओ ना जब आपका समय और पैसा लगा और बदले में आपको कुछ ना मिले, जब आपको भरमाया जाए, जब कोई खुद आपके साथ करना चाहे, तो फिर यदि आप साथ में नहीं बढ़ोगे तो ये आपकी गलती है, ये तो आपकी अपनी त्रुटि है ना, इसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हमें कोई बड़ा छोटा नहीं, हम एज वाइज लेके चलेंगे, सम्मान उचित है, आयुगत सम्मान उचित है, लेकिन जब हम साधना कर रहे हैं तो हम सब एक जैसे ही, एक माँ के, एक सहोदर, एक जो है जो पालक माता पिता होते हैं उनकी संतान के प्रति यथा शक्ति माँ बाप का अनुराग और प्रेम एक जैसा होता है, और बल्कि बड़े के मुकाबले छोटों के प्रति प्रेम ज्यादा होता है। जितने आप छोटे, एक जो छोटा बच्चा होता है जिसको कुछ नहीं आता, जो अबोध होता है, उसकी केयरिंग ज्यादा होती है, उसकी सीट का रिजर्वेशन करवाने की जरूरत नहीं, उसकी सीट फिक्स है, उसकी माँ की गोद है, माँ खड़ी रहेगी लेकिन वो गोद में लटका रहेगा, उसका खाना फिक्स है, सब चीज तय है, उसको चिंता नहीं है। उसको क्या है, उसको सिर्फ विश्वास है, आप बच्चे को ऊपर फेंको, वो हंसता हुआ नीचे खिलखिलाता हुआ आएगा, उसको कह देना कि पकड़ लेगा, उसके मन में डर नहीं होता। और हम जैसे जैसे बड़े होते हैं नीचे से बोलेगा कूद जा, अबे नहीं पकड़ पाया तो वहां टेंशन पड़ेगा, वो चीज गलत है। क्योंकि जितना हम बड़े हो रहे हैं उतना हम मन के बजाय दिमाग से सोचने लग गए। हम विश्वास, हमने भगवान को कभी नहीं देखा, लेकिन एक लाल पत्थर रखा है पुता हुआ, और जैसे ही वो वहां रखा हुआ रहता है तो हम क्या करते हैं, यदि हमसे कोई बोले कि जाके पैर मार दे तो हिम्मत नहीं होती कि भगवान है कैसे मार दे, बिकॉज वो श्रद्धा पे डिपेंड करता है। आप श्रद्धा पे हो, विश्वास टूट सकता है, मैं उस पर विश्वास करता था यार टूट गया, मैं ये करता था टूट गया, लेकिन श्रद्धा कभी किसी की नहीं टूटती ना, श्रद्धा मन से उपजती है इसीलिए। और शमशान मन शक्ति का खेल, मना शक्ति का खेल, मना शक्ति की क्रीड़ा है। सबुदेव हमेशा कहते थे कि मैं ये सारी चीजें लाइट में लेके आना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने अनुबंधी में पहले पत्रिका 96 में छपा था, 96 में एक आर्टिकल छपा था मंथन यंत्र विज्ञान में, जिसको उस पर भी ब्लॉग पर डाले थे अनुबंधी वाला एक भैरवी चक्र, उसमें सदगुरुदेव ने कहा, सबने पूछा था कि आप भैरवी चक्र के बारे में और चीजें क्यों नहीं रखना चाहते हो लोगों के सामने, तो सदगुरुदेव ने एक ही चीज कहा था, नए विवाद को जन्म नहीं देना चाहता हूँ, हम अभी बात सिर्फ भय की कर रहे हैं, हम काम भाव की बात नहीं कर रहे हैं, वो इससे आगे की क्रिया है, उससे आगे की क्रिया है, और भैरवी चक्र उसी से रिलेटेड है, श्यामा साधना उसी से रिलेटेड है, श्यामा चक्र जो है उसी से रिलेटेड है। तो आप तब तक, जब तक भय से आप नहीं मुक्त होगे, तब तक आप इसके आगे की जो सीढ़ी है काम उससे भी मुक्त नहीं होगे, तब सिर्फ आपको सोल दिखाई देती है, आपको ना स्त्री दिखाई देता है ना आपको पुरुष दिखाई देता है। क्यों थी पीड़ा सदगुरुदेव के मन में कि मैं कोई नए विवाद को जन्म नहीं देना चाहता, क्योंकि अक्सर लोग किसी चीज को समझने के बाद अपने हिसाब से तोड़ते मरोड़ते हैं, एक नया कानून बनता है, एक नया सॉफ्टवेयर बनता है, गारंटी रहती है कि ये सॉफ्टवेयर वायरस को नहीं जाने देगा, उसके पहले उसको तोड़ने के लिए वायरस बन चुका होता है, एक लूप होता है। हम लोग अक्सर हमारे आसपास बोलते हैं कि मैं तंत्रवाद से ग्रसित हूँ, मेरा परिवार तंत्रवाद से ग्रसित है और मैं बहुत परेशान हूँ, तंत्र बाधन ने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया, और मैंने तंत्र बाधन निवारण के बहुत प्रयोग किए हैं, बहुत साधनाएं करी हैं, कोई फायदा नहीं हुआ, नहीं होगा फायदा। एक्चुअली मैं हर एक चक्र, हर एक क्रम, ये डिपेंड करता है उन पैसाचिक या इतर योनियों के ऊपर, कोई भी तंत्र प्रयोग बगैर पिशाचों के कंप्लीट नहीं होता है।
जो क्रूर शक्तियां होती हैं, ये उन पे निर्भर करता है कि कितना तीव्र तंत्र प्रयोग रहेगा। क्योंकि आपके परिवार की आर्थिक स्थिति, आपके परिवार का सामाजिक रुतबा, आपके परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य, ये सब तंत्र बाधा खत्म कर देती। धीरे धीरे करके आपके सारे काम बिगड़ने लग जाते हैं, सब कुछ ग्रह प्रतिकूल हो जाते हैं, सब कुछ होने लग जाता है आपके आसपास, और वो होता है तंत्र बाधा से। तो ये हटेगा कैसे? हमें मंत्र मिले हैं, फिर हमसे क्यों नहीं हटता? रीजन है, आसन स्ट्रांग नहीं है, आपका मन स्ट्रांग नहीं है, आपको फैद नहीं है उस साधना पे। वो सबसे बड़ी बात है, आपको कैलकुलेशन नहीं आती टाइम की कि वो कौन सा एक सर्कल है जब किस प्रकार का तंत्र प्रयोग शिथिल होता है। हर तंत्र प्रयोग या कितना भी तीव्र प्रयोग, चाहे सम्मोहन का ही किया जाए, उसका मन के ऊपर से एक क्षण के लिए आवरण बदलता है, वो चेंज होता है। कोई भी सर्कल आप बनाते हो, उसमें एक ज्वाइंट होगा या नहीं दिखता हो, पर ज्वाइंट होगा। वो ज्वाइंट एक खास समय में कमजोर हो जाता है, और यदि आप उस समय तंत्र बाधा निवारण के जो मंत्र होते हैं, तंत्र बाधा की जो क्रियाएं होती हैं निवारण करने की, उन मंत्रों का, उन बीज मंत्रों का उस समय विशेष पे क्रिया के साथ जो क्रिया आपको बताई गई है आप प्रयोग करते हो, तो 101% वो तंत्र बाधा समाप्त तो होती ही है। आप दिन भर में कितने भी सजे हो, एक समय आता है जब आप वस्त्र परिवर्तित करते हो, भाई मैं सोने जा रहा हूं, मैं ड्रेस चेंज करूं, मतलब एक वो समय है जब आपके शरीर पे वस्त्र नहीं होता। तो ये हर किसी के साथ ये नियम लागू होता है। हर क्षण प्रकृति नूतन होते जाती है, हर क्षण शक्तियां नई चाहिए होती है, और हर क्षण एक ऐसी क्रिया होती है कि जब एक खास समय पे वो शक्ति शिथिल होते चल जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक खास है, जैसे बिहार में, झारखंड वगैरह में और छत्तीसगढ़ में तंत्र बाधाओं का बहुत रोल चलता है, बहुत, क्योंकि तंत्र बाधा करने के लिए कोई विशेष क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी विशेष क्रिया नहीं, क्योंकि तोड़ने के लिए किसी सिद्धि की जरूरत नहीं होती। उठा के पत्थर मार दो, वो बेचारे ने कांच उतनी मेहनत से लगा, वो टूटेगा ही टूटेगा। आप उसको जोड़ के वापस निकाल के नया लगाने में जरूर टेक्निक और क्वालिटी चाहिए, तो वो क्वालिटी के लिए चाहिए परफेक्टनेस, तोड़ने के लिए नहीं। मैंने अपने सर से उतारा कि मैंने सड़क पर डाल दिया, अब वो जो बेचारा लांग के जाएगा वो झेलता रहेगा, वो तो झेलेगा ही झेलेगा ना वो चीजें। और क्यों हम करते हैं कि हमने किसी चीज कोई प्रयोग करते हैं, उसको चौराहे पे निर्जन स्थान पे जाके रखते हैं, उसके चारों लोटे से जो है पानी डाल के हम जाते हैं, ताकि हमारा हम बांध के चले गए, अब जो हटाएगा वो जाने। ऐसा नहीं कि लगातार उसका प्रभाव रहता है, आपने किस स्तर का प्रयोग किया इसके हिसाब से वो शक्ति उतने देर तक वहां रहती है, उसके बाद निरापद हो जाता है, वो स्थान निश्चित हो जाता है। लेकिन तंत्र बाधा यदि हो गई हो तो मुझे मालूम होना चाहिए कि इस प्रकार की तंत्र बाधा या इस प्रकार का जो पैसाचिक कृत्य है वो किस समय, 24 घंटे में से कौन सा ऐसा समय आता है जिस समय वो आवरण बदल रहा होता है, उस समय यदि मैं भेद करूं तो वो टूट सकता है, उस समय से नहीं तोड़ा जा सकता, पर ऐसे रख के तोड़ा जा सकता है। तो कौन सा तरीका होगा? मंत्र अकेले जपने से नहीं होता है, मंत्र इज अ प्लानिंग सिस्टम, लाइक तंत्र को हम सिस्टम कहते हैं, और एक पूरा मैकेनिज्म, मशीन चाहिए, यंत्र, ये तीनों जब मिलते हैं तब प्रोडक्शन होता है किसी चीज का। प्लानिंग चाहिए, मशीन चाहिए, पूरा एक सिस्टम चाहिए, इसके बाद में जाके हमारे पास में प्रोडक्शन होता है। तो तंत्र बाधा निवारण के लिए भी कुछ सामग्रियां आपके पास जो घर में ही प्राप्त होती है, कुछ विशेष क्रिया और मंत्र चाहिए होता है। और ये सब कब हो पाता है? जब पहले एक बार आप इतर योनियों से आमना सामना कर चुके होंगे। शमशान साधनाओं में अक्सर बॉडी के अंदर एक गुण पैदा करने के लिए कि मैं इतर योनियों को देख सकूं, मैं प्राण शक्तियों को देख सकूं, उसके लिए जिन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है उनको आपस में इस तरीके से एक दूसरे में पिरोया गया रहता है कि वो आपकी बॉडी में जाके प्लाज्मा की क्वांटिटी बढ़ाते चली जाती है। जिन व्यक्तियों की बॉडी में प्लाज्मा की क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी उस व्यक्ति को इतर योनियां उतनी ज्यादा दिखती हैं। शमशान जागरण जो मंत्र है वो एक्चुअली में प्लाज्मा को हाई करने का है। आप बहुत हाई कर सकते हो प्लाज्मा, आपको वो सारा डर आपके अंदर दिखते चल जाएगा। पहले कम जिससे डरते हो वो दिखेगा, फिर थोड़ा और ज्यादा, फिर एक वो जो जिससे सबसे ज्यादा डरते हो वो फाइनली आपको दिखता है। उसके बाद में जब आप शमशान शुद्ध करने का मंत्र पढ़ते थे एक्चुअली वो प्लाज्मा को डाउन करने का मंत्र। ये साइंटिफिक जो है
डेफिनेशन है या साइंटिफिक सिद्धांत है कि जिस व्यक्ति की बॉडी में, कई ऐसे लोग होते हैं जिनको आत्माएं दिखती हैं, एक्चुअली जन्मजात उनकी बॉडी में प्लाज्मा उतना होता है, उनकी बॉडी ठंडी नहीं रहेगी, गर्मी में वो ठंडे रहते हैं और ठंड में वो गर्म होने लग जाते हैं। जिसकी बॉडी में प्लाज्मा की क्वांटिटी जितनी ज्यादा होती है, उस व्यक्ति को भूत प्रत्यक्षीकरण, प्रेत प्रत्यक्षीकरण, राक्षस वीर, वीर वेतार, नाहर वीर, सिंह वीर, ये जल्दी सिद्ध होते हैं। तो इसकी शुरुआत कहां से होती है? शमशान से। क्यों कहा जाता है कि शमशान में वीर वेतार जल्दी सिद्ध होता है? क्योंकि वहां पे शमशान में कभी भी आप शमशान जागरण करे बगैर कोई साधना नहीं करते हो, क्योंकि भय से तो मुक्त हो गए। एक बार हमने शमशान जागरण करके, हर बार वही चीज होगी, बदलेगा कुछ नहीं। अब वो चीज हमें नहीं डराती है, अब हमें नहीं डराती, अब हम उस प्राण शक्ति का, वीर वेताल एक प्राण शक्ति, चरम प्राण शक्ति का नाम है वो, उसका कोई रूप नहीं है। आप किस रूप को ध्यान में रख के उसका आवाहन कर रहे हो, कौन से भाव को उसका ध्यान में रख के आवाहन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, उसके हिसाब से वो प्रत्यक्ष होगा वहां पे। हमारे घर में एक पूजा पाठ का माहौल होता है, पूजा पाठ का माहौल होता है जहां पे आप आंतरिक उन्नति के लिए साधना करते हो, प्राण शक्ति के लिए नहीं करते, आंतरिक उन्नति के लिए करते हैं। इसीलिए घर पे किए जाने वाले भूत प्रेत वाले जो प्रयोग है वो जल्दी सिद्ध नहीं होते। पीपल के पेड़, बरगद के पेड़ या आंकड़े के पेड़ या बेर के पेड़ पर जब कहा जाता है कि यहाँ पे भूत प्रेत की साधना करने से जल्दी सिद्ध होंगे या किसी निर्जन स्थान में, वजह वहां प्राण शक्ति का घनत्व ज्यादा होता है। पीपल के पेड़, बरगद के पेड़ में प्राण शक्ति किसी भी अन्य पेड़ के मुकाबले ज्यादा होती है। यहाँ तक कि यदि आप बीमार हो, बहुत ज्यादा बीमार हो, और इन पेड़ों के सामने आप सिर्फ दोनों हाथ फैला के खड़े हो जाओ और आप कहोगे तू तेरी प्राण शक्ति मुझे दे, आप ये फील कर, थोड़ी देर बाद आपको खुद पावर लगने लग जाएगा अपने अंदर, क्योंकि ये प्राण शक्ति देते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि पीपल का पेड़ कभी नहीं काटना चाहिए, घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें इतनी प्राण शक्ति होती है कि वो चारों खींच लेता है सारे तरफ से। और हम कहते हैं कि नहीं, इस पर ब्रह्म राक्षस रहता है, इस पर ब्रह्म देवता रहते हैं। ब्रह्म मतलब जो सृजन करता है, जो प्राण देता है, प्राण शक्ति। प्राण शक्ति की सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है वो पीपल के पेड़ या बड़ के पेड़ में होती है, तो संस्पर्श इसका होना स्वाभाविक रहता है। जितनी भी प्राण शक्तियां होती हैं वो अपना निवास स्थान इनको बना लेती हैं, और इसीलिए आप आसानी से, चाहे वो वीर वेताल हो, चाहे वीर साधना हो या फिर वेताल साधना हो, ये सारी साधना निरापद है। आपको सिद्धि नहीं मिलती है, आप असफल होते हो या आप पागल होते हो, आप मरते हो, आपकी अपनी गलती थी, और हर चीज में रिस्क है। जिसने कभी शमशान जागरण किया नहीं, वो शमशान में जाके साधना कर क्यों रहा है? वीर वेताल की क्यों कर रहा है? क्योंकि सबसे पहले तो वो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज नहीं लाएगी वो प्राण शक्ति। शमशान जागरण में सारी चीजें सीरियल वाइज आती है, पहले जिससे मैं कम डरता हूं वो सामने आएगा, उसके बाद थोड़ा सा डर जिसको लेके मेरे अंदर ज्यादा है वो आएगा, उसके बाद में जो सबसे ज्यादा मतलब जिसको देख के मेरी जान निकल जाती है वो चीजें मेरे सामने आके खड़ी होती है। सीरियल बना आपके ऊपर है कि मैं पहले डर से ही डर गया हूं, मैं वही शमशान सुप्त करने की क्रिया कर सकता हूँ, वहीं पे मैं शमशान सुप्त करने वाला मंत्र का उच्चारण कर सकता हूँ। अब वो बीज मंत्र धीरे 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 मेरी बॉडी के प्लाज्मा को नीचे करते जाएंगे, बॉडी का प्लाज्मा नीचे होगा, वो दृश्य मेरी आंखों को दिखना बंद हो जाएगा, ठीक। लेकिन जब आप सीधे जाके वीर वेताल साधना शमशान में करते हो तो वो आपके थर्ड वाले को फुल फोर्स के साथ आपके पास भेजता है, आपके तीसरे डर को, जिससे सबसे ज्यादा डरते हो, क्योंकि वो प्राण शक्ति की चरम सीमा है। वेताल असंभव को संभव कर सकता है बिकॉज प्राण शक्ति है वो, प्राण शक्ति किसी भी असंभव को संभव कर सकती है, तो वो आपके तीसरे डर को आपके सामने भेज देता है जिसको आप, जिसके लिए तैयार नहीं रहते हो। आप खुद तो सोचो ना, आपको फटाके से डर लगता है, आसपास कोई लक्ष्मी बम ये बम फोड़ दे तो आप कूदते फेंकते हो वहां से, आप ये सोचते हो साधना में आप बैठो, पीछे धड़ाम धड़ूम की आवाज आती है तो पत्थर गिर रहे हैं, ये गिर रहे हैं, तो आप तो बीच में चार बार पांच बार तो हिलना स्वाभाविक है आपका, और आप बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा। यदि कुछ नहीं हो रहा तो आप हिले क्यों? क्योंकि आप सजग नहीं थे, आप तैयार नहीं थे। और साधक सुस्त नहीं होता है, साधक सुस्त नहीं होता है, वो 100% एक्टिव होता है। सद्गुरुदेव बोलते हैं कि ऐसे कभी सिम्टम बने इसका मतलब सिद्धियां आपके नजदीक है, अब ज्यादा सजग हो जाओ, और जब वो सामने आए तो सिंह के जैसे झपट्टा मार के उसके ऊपर कर लो। आपने देखा होगा शेर बहुत लंबे समय तक शिकार को दौड़ाता है, थकाता है वो उसको, और जब फाइनली उसको लगता है कि ये थक गया, अकेला हो गया, तब सबसे पहले उसको धक्का देके गिराता है वो, एकदम से नहीं कूदता, पहले उसके ऊपर चढ़ेगा वो और मारता सीधे यहीं से, मारता सीधे। ये एक साधक के गुण होने चाहिए,
कि सिद्धियों को पहले वो थकाए, खुद ना थके, खुद ना डरे कि बाप कैसे करके कान माला कंप्लीट हो जाए तो आज का क्रम पूरा हो गया। भैया 21 दिन तो पूरे किया था मैंने, लेकिन कान माला जल्दी खत्म होने की भी कोशिश कर रहा था मैंने कि जल्दी खत्म हो जाए कान माला मेरी। तो आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, वजह आपने कभी शमशान साल लाए नहीं। कई बार जब वो दृश्य देखने लग जाओगे तो कई बार एंटरटेनमेंट के लिए आपको अच्छा लगेगा कि देखते हैं भाई अब क्या डर आता है वो तब अच्छा लगेगा ना, आपको भय से मुक्त होना पड़ेगा। एक बार हो गए दिक्कत खत्म, एक बार की बात है। ये सारी प्रक्रिया उसके बाद आप खुद अपने आप कर सकते हो। सदगुरु ने बहुत मेहनत करी है, बहुत बार अपने आर्टिकल्स में बताया, प्रवचन में बताया कि मैं ये शिष्य को लेके गया था भूत साधना के लिए, वो देख के पहलवान भी बोले कांपने लग गया था, ये हो गया था। तो ये सारी चीजें होंगी क्योंकि वो भय कहीं और नहीं है ना, भय हमारे खुद के अंदर है। तो हमें हमारे अंदर से लड़ाई लड़नी है। 7 दिन का सेशन है, 7 दिन के सेशन के बाद में ऑलरेडी 7 दिन का गैप है, उसके बाद पारो संस्कार चल रहा है। एक यूनिट होता है, एक एकम होता है जिसे हम क्षण कहते हैं। तो उसको नापने के लिए, उसे मेजर करने के लिए जो भी हम टर्म यूज करते हैं उसे क्षण या फिर मिनट या एक आर या वैसे कुछ भी टाइटल दे सकते हैं। उस हिसाब से पूरा एक साल बनता है और पूरा जीवन चक्र चलता रहता है। तो काल विज्ञान में बेसिकली क्या होता है, वो जो एकम होता है वो निश्चित होता है हमारे ऊपर कि हमने उस एकम को किस प्रकार दी है, उसके साथ उसका तालमेल है, उसी हिसाब से होता है काल का जो प्रभाव होता है वो हमारे ऊपर पड़ता है। तो एक निश्चित जो जीवन चलता है वो उतने ही साल तक होता है जितने साल तक वो काल का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। एक बार वो प्रभाव पड़ना बंद हो जाएगा तो फिर हमारा जीवन उतने टाइम तक रहेगा ही नहीं। विज्ञान में क्या होगा कि दो जो महत्वपूर्ण प्रोसेस होते हैं योगियों के बीच, काल संकलन और काल विकलन। के लिए जो एकम है, क्षण है, वो समय का एक निश्चित नाप है कि इतने टाइम का जो टाइम पीरियड होता है, टाइम फैक्टर होता है, उसे हम एक क्षण कहते हैं। योगियों के लिए वो क्या होता है, वो उसी को ही खींच देते हैं एक क्षण में। वास्तविक समय जो होता है एक क्षण का, उसे ही वो खींच के अपने हिसाब से डाल देते हैं, उनका अलग से एकम बना लेते हैं। तो उस हिसाब से वो वास्तविक समय जो कि दुनिया की गति का समय है, या हम कहें कि भौतिक समय, तो भौतिक समय चाहे वो एक क्षण का ही हो, लेकिन अलग से उसने उसी क्षण का विखंडन कर दिया है तो वो एक ही क्षण में उसके जो आध्यात्मिक समय होता है वो बदल जाता है। वो हो जाएगा फिर या तो 2 क्षण 3 क्षण 4 क्षण, उस हिसाब से वो साल भी हो सकते हैं, 4 साल 5 साल 6 साल। भौतिक समय के हिसाब से या जो पृथ्वी का जो समय है उस हिसाब से एक क्षण व्यतीत होगा, फिर वो एक क्षण में वो हजारों साल तक हिसाब से होता है विकलन, या जिसे बोलते हैं मर्ज करते हैं। तो उसी प्रकार से अगर मर्ज कर दिया है, एक साथ सभी बिंदुओं को सम्मिलित कर दिया है, तो काल की गति होती है वो एक क्षण में या एक बिंदु में। आप चाहे कितने भी साल मिलाना चाहे मिला सकते हैं। तो भौतिक समय के हिसाब से एक साल व्यतीत हो गया है, आध्यात्मिक के हिसाब से आप एक क्षण में ही रहे हैं। क्योंकि जो समय का प्रभाव होता है वो हमारे अंदर से शुरू होता है, अंदर पे पड़ता है, फिर वो शरीर के ऊपर दिखता है। तो वो जो प्रभाव रहता है वो आध्यात्मिक समय के हिसाब से रहता है। आपने एक समय का यूनिट है या एक क्षण है, उसको खींच के 1000 साल समय में जितना प्रभाव होता है उतना ही प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। आंतरिक शरीर बराबर उस चीज को महसूस कर सकता है, उतना कालखंड आपके लिए विस्तृत हो जाएगा आपके अंदर ही। दुनिया के लिए चाहे उसका प्रभाव कितना भी बढ़ जाए, लेकिन आपके ऊपर वो एक क्षण का ही प्रभाव पड़ता है। यही है काल विज्ञान और काल का संकलन विकलन, और इसका जो एकम है उसका विज्ञान है क्षण विज्ञान। तो काल विज्ञान में बेसिकली, काल विज्ञान में बेसिकली ये चीज होती है कि
से समय को अपने हिसाब से परिवर्तित कर सकता है। वो एक क्षण में चाहे कितने भी साल की साधना हो कर लेगा, लेकिन दुनिया के हिसाब से वो उसका एक ही क्षण व्यतीत हुआ होगा। चाहे आपने एक क्षण में यहाँ बैठे हैं, अपने पलके झुकाई, अपना काम शुरू किया, के खोले, उतने टाइम में एक सेकंड का टाइम ही व्यतीत हुआ। आपके सामने जो भी बैठा होगा सब कुछ स्थितियाँ वही रहेंगी, लेकिन आप उस एक क्षण को जितना भी चाहिए खींच लें, उसमें आप जो भी कार्य करें। रिवर्स में जाए तो आपको किसी समय में जाना है, समय को मर्ज कर लिया है एक ही क्षण में, कितना भी चला गया हो आपके लिए वो वही समय रहेगा, वही रहेगी जो आपने संकलन कर लिया है या विखंडन कर लिया है। विज्ञान की वर्कशॉप में बेसिकली वही चीज़ें हैं जिससे रिलेटेड जो भी साधनाएं हैं, काल का जो विशेष प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के ऊपर, हर एक सेकंड हर एक एक ही देवी देवता एक्टिवेट रहते हैं, उसका प्रभाव निश्चित रूप से एक मनुष्य पर पड़ता ही पड़ता है। कि एक देवी या एक देवता के एक निश्चित क्षण होता है, उस क्षण में वह देवी या देवता का एक निश्चित प्रभाव एक व्यक्ति पर जरूर पड़ता है, तो चाहे वो नेगेटिव वे में हो या पॉजिटिव वे में हो, उसको आप किस प्रकार से अपने अनुकूल बना लें। विज्ञान का एक पक्ष है, एक महत्वपूर्ण भाग है, तो काल विज्ञान के संबंध में तो ये सब चीज़ें ही हैं जो वर्कशॉप में कराई जाए हैं, उनसे रिलेटेड जो सामग्री वगैरह हैं, उसके बाद उनकी साधनाओं पत्तियों को करने के बाद आप काल को देखने में सक्षम हो जाएंगे कि किस प्रकार से काल की गति होती है, आपका जो अभी काल चल रहा है उसके आगे, तो वो देखने की सामर्थ्यता आ जाती है। उसके बाद आप उसमें परिवर्तन करना चाहें तो किस प्रकार से कर सकते हैं, परिवर्तित करना चाहते हैं वहाँ की देवी या देवता किस प्रकार से आप उनको अपने अनुकूल या दूसरों के अनुकूल, अपने प्रतिकूल या दूसरों के प्रतिकूल बना सकते हैं। से आपका जो अभी समय चल रहा है उसे आप संकलित कर लें या उसका विखंडन कर लें। भारत विज्ञान में इस बार पहले जो हमने संस्कार किए थे वो 40 दिवस वो वैदिक पद्धति से किए थे। वैदिक पद्धति मतलब जैसे कहें कि जिसमें कोई भी जीव ऐसा कुछ भी चीज़ यूज नहीं होती, तंत्र नहीं, वो पूरा विज्ञान का स्वरूप मात्र और मात्र विज्ञान के स्वरूप से हमने पहले तंत्र में मात्र इतना ही भेद है कि विज्ञान ऐसा नहीं है तंत्र में आप उसे किसी भी प्रकार से मोल्ड कर देते हैं कि आपको ये परिणाम चाहिए आप उसे किसी भी प्रकार से, तो वो हो गया तंत्र। सेकंड वर्कशॉप में हमने जो संस्कार किए थे वो उसी प्रकार से तंत्र मार्ग से किए थे। इसलिए अब जो होने वाला है वो उससे भी कम दिनों में होगा। संस्कार का जो प्रोग्राम है पूरा वो उस हिसाब से है कि संस्कार जितना भी हो सके उतना जल्दी से हो। तंत्र में कई प्रकार के ऐसे मंत्र होते हैं जिनका आप उपयोग करते रहें अपने साथ में, जो भी चल रहा है उसके साथ में उपयोग करते वक्त वो मंत्र की ऊर्जा ही आपको संस्कार में परावर्तन करना शुरू कर देगी, क्योंकि जो भी मंत्रकारों में आपका कार्य सिद्धि में उसी प्रकार से काम करेगी। लास्ट टाइम था तो मंत्रों के माध्यम से चंद्रोदय जल भी बनाया गया था, और हमें लास्ट टाइम जो वर्कशॉप में आए थे हम उन लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से तंत्र मार्ग से भारत में बेसिकली ये है कि लोग धातुवाद के पीछे पड़े रहते हैं, तो उससे सफलता मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपका लक्ष्य है एक, उस लक्ष्य तक आप पहुंचने के लिए निकले हैं तो आप कम से कम वहां तक ना पहुंचे तो थोड़ा आगे तक पहुंचेंगे। अगर आपका धातुवाद ही लक्ष्य है तो आपको उतना लक्ष्य पाने के लिए बहुत ही मेहनत, आपका लक्ष्य उससे आगे का है। आपका लक्ष्य है कायावेद, काया को किस प्रकार से वेदित करते हैं, या शरीर में जो धातु वेदन करना है उसका रूपांतरण करना है, उसके निम्न धातुओं को उच्च धातु में परिवर्तित करना है, तो वो जो प्रोसेस है वहाँ तक आपको जाने के लिए फिर इस प्रोसेस से धातुवाद से गुजरना पड़ेगा, तो आपको धातुवाद में आराम से सक्सेस मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप लंबा टारगेट लेके चलेंगे तो फिर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जिनका टारगेट ये है कि धातुवाद या फिर मेटल ट्रांसफ़र करना जा सकता है, ये नहीं है कि असंभव है लेकिन मुश्किल ज़रूर है।
कि पारद विज्ञान में आप सब जैसे कि लिख चुका है पढ़ चुके होंगे आपके 64वां तंत्र है अंतिम तंत्र सिद्ध कर लेने पर बाकी के सभी तंत्र आगे के जो तंत्र होते हैं वो अपने आप स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। तो इस तंत्र की सबसे ज्यादा अहमियत है और हमारे मतलब भारतवर्ष की साधना पत्तियों में इसे एक बहुत जो होता था वो होता था वैदिक पत्ती जो कि प्राचीन भारत में रही है प्रचलित रही है। धीरे धीरे नागार्जुन वगैरह का जो समय आया तब से जो पद्धतियां प्रचलित हुई उसमें तंत्र को सम्मिलित कर दिया विज्ञान से तो पारद विज्ञान फिर पारद तंत्र बना क्योंकि उसमें तांत्रिक प्रोसेसेस ऐड कर दी गई। तो जो भी समय लगता था ज्यादा समय जो विज्ञान के माध्यम से नहीं होता था या जिस माध्यम से उसे गति मिल गई तो उस को गुप्त रखा गया था ज्यादातर टाइम के लिए क्योंकि सर्वथा नूतन पद्धतियां जो आई उसमें से कोल मार्ग हैं साक्त मार्ग हैं उस मार्ग से संबंधित सारी प्रक्रियाएं का होती ही गई और आखिर तंत्र के योग से पारद विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो पद्धतियां अमल में टाइम फैक्टर है मतलब जितना भी हो सके उतना कम समय लगे और जितने भी आप उच्चतम या उच्चतम कार्य कर सके उस प्रकार से कि नई प्रोसेसेस इनोवेट हुई तो वही जो प्रोसेसेस हैं जो वैसे उनका कोई ग्रंथों में कहीं भी मेंशन वगैरह तो नहीं है जो गुरुमुखी पर जिसको सबसे ज्यादा गुप्तता में रखा गया जिसको कभी सबके मानस के मध्य रखने का कोई सवाल ही नहीं उठता वो पद्धतियां इस बार अमल में आएंगी हमारे पारद के बल पर इस प्रकार से होगा। एक और चीज है कि जैसे कि कहा जाता है बहुत ही फेमस है योगियों के मध्य कि इस काम को करे लाखपति या खाकपति तो मतलब जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं खर्चने के लिए पारद के काम को या तो होता है कि जब भी पारद का नाम पड़ता है तो लोगों को धातु 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 वही सूझता है उसके आगे कुछ सूझता नहीं। कॉन्सेप्ट धातु के पीछे यही रहा था कि अगर कोई जो पदार्थ है अगर वो बाह्य धातुओं का रूपांतरण उसकी उच्च कक्षा में कर सकता है तो आंतरिक जो हमारी धातुएं हैं जो सभी धातुएं हमारे अंदर हैं जिसके द्वारा हमारा निर्माण हुआ है वो सब धातुओं को भी वो उच्चता में बदल सकता है लेकिन उसका सीधा एक्सपेरिमेंट हमारे ऊपर अंदर ना करके उसे बाह्य रूप में करना है ताकि उसकी गुणवत्ता हमें पता चले। तो आंतरिक वेद से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं एक के बाद एक करते जाते हैं और पारद के जैसे जैसे संस्कार बाह्य रूप में होते जाते हैं उतनी ही असर वो हमारे ऊपर छोड़ता है जितनी उसकी अशुद्धियां दूर होती हैं उतनी ही हमारी अशुद्धियां दूर होती हैं। परिवर्तन उसमें आता जाएगा वैसा परिवर्तन हमारे अंदर आ जाएगा क्योंकि पारद जीवित है चैतन्य है इसलिए वो आपको समझ सकता है आपको जान सकता है आपको देख सकता है। अगर आपका चित्त साफ नहीं है अगर आपके इरादे कुछ अलग हैं तो फिर वो पहचान जाएगा वो आपको सफलता नहीं देगा वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा। पर जो भी आठ संस्कार हैं या 12 संस्कार है या 14 संस्कार है एक बाद एक संस्कार करते जाने पर उसकी दशा में जो जो भी परिवर्तन आता है जो जो एक दिव्य स्वरूप आगे बढ़ता जाता है वो खुद को पहचानने लगता है। पहले उसको पहचान नहीं होती थी अपनी चंचलता है उसे पता है कि उसका जो स्वरूप है उससे वो कहीं दिव्य है हो सकता है किसी भी रूप से। इंसान में भी वही चीज होती है एक निश्चित टाइम पर उसको ये सब चीजें पता चल जाती है कि उसका जीवन से आगे बढ़ सकता है ये मात्र उसका जीवन नहीं है लेकिन उसके लिए भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं उसे करनी पड़ती हैं। तो वही होता है संस्कार हमें खुद के संस्कार करने पड़ते हैं हमें खुद को डेवलप करना पड़ता है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जब हम प्रोसेस करते हैं भारत के ऊपर तो वही प्रोसेस हमारे अंदर भी होती है क्योंकि जो भी चीज हम बाह्य जगत में करते हैं वही चीज हमारे आंतरिक जगत में भी बराबर गतिशील रहती है जो चीज बाह्य ब्रह्मांड में है वही आंतरिक ब्रह्मांड में भी है। आपका चित्त वगैरह शुद्ध होता जाएगा अपने आप ही आपका जो भी मैं कहूँगा कि आपका उद्देश्य है वो सफ़ेद नेक है
पारद को लेकर आप के हृदय में कोई शंका नहीं है, तो फिर वो धीरे धीरे आपको सफलता देना शुरू कर देगा। 8 संस्कार हो जाए उसके बाद पारद शुद्धता में आ जाता है, अपने मूल रूप में आ जाते हैं, उसमें कोई और अशुद्ध। लेकिन इस पद्धति से पारद बताऊं तो मेरे एक परिचित हैं जो कि कम से कम 30 साल के ऊपर बहुत ही रिसर्च कर रहे हैं, इतने सालों बाद भी आज तक वो सिर्फ 2 संस्कार कर रहे हैं, मात्र 2 संस्कार में टाइम लग गया है, क्योंकि उनके पास कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, वो खुद के हिसाब से कर करके प्रामाणिक रूप से अगर उन्होंने संस्कार किए हैं तो वो सिर्फ 2 संस्कार तक पहुंचे हैं, अब और अभी 3रा संस्कार सीख रहे हैं। इस विद्या को जानने वाले हैं या इस विज्ञान को जानने वाले जो भी लोग हैं, उसमें जिनको ये विद्या का ज्ञान अर्जित करना है, जिनको इस विद्या के बारे में जानना है या समझना है, उनका मूल उद्देश्य ही गायब हो चुका है। उनको जो कुछ भी करना है वो शायद एक मर्यादा के बाहर है, एक योगी के लिए उसको सिखाना मर्यादाहीन कहा जा सकता है। और इसके पीछे जो भी, जैसे सद्गुरुदेव ने कहा था कि पूरा जीवन भर अगर आप किसी के वहाँ काम करते रहें तो हो सकता है कि जीवन अंतिम दिनों में वो आपको एक अच्छी चीज़ ऐसे सिखा दे, लेकिन इतनी मेहनत करने पर भी अगर आप एक भी चीज़ प्राप्त कर लें तो भी वो बहुत है। पारद संस्कार भी सभी गूढ़ विधियों में से ही एक हैं। अगर आपने ठीक से संस्कार किए हैं, अगर आपने उसकी वेदन क्षमता को बढ़ाया है, वो कई प्रकार के संस्कार होते हैं, जैसे तिब्बत में सिद्ध संस्कार या पंडित संस्कार भी बोलते हैं, तो वो पद्धतियां लुप्त हो गई थी, वैसे उन्होंने डिक्लेयर की पद्धतियां अमल में नहीं है, पहले कभी हुआ करती थी, लेकिन वो पद्धतियां आज भी हैं, गुप्त रूप से चालू ही हैं, आदान प्रदान एक्टिव रही, तो वही पद्धतियों से इस बार के संस्कार होंगे। और जस्ट शमशान साधना के बाद की जो वर्कशॉप है हमने पारद वर्कशॉप रखी, उसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था कि जैसे मैंने आपको बताया कि शमशान वर्कशॉप के लिए अघोर मंत्र का प्रयोग कंपलसरी, एक क्वांटिटी क्वालिटी क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, वैसे तो किसी होती है वो चाहिए होती है उसकी क्वालिटी, लेकिन एक सिद्धांत है तंत्र का, तंत्र के सिद्धांत में एक क्वांटिटी के बाद आप में ऑलरेडी वो एनर्जी आ जाती है, क्वालिटी की वजह से वो एनर्जी प्रत्यक्ष होती है, शो होती है, क्वांटिटी की वजह से वो एनर्जी आ जाती है। सद्गुरुदेव के पास एक कोई गायत्री साधक था और वो आया और उसने जो है सद्गुरुदेव से पूछ के कि मुझे कितना मंत्र करना है कि जिसकी वजह से जिस सबके बाद माँ गायत्री मेरे सामने प्रत्यक्ष होगी, तो सद्गुरुदेव ने उसे कहा कि बेटा तुझे 100,000 का प्रश्न करना है। समय तक गुरुदेव से नहीं मिला और करता रहा चार बार पांच बार, माँ थी कि वो प्रत्यक्ष होने का नाम नहीं ले रही,
ये मैं पूरी तरह से सिद्ध करना चाहता था, उनकी दूर करना चाहता था, पूरी तरह से समाहित करना। जब संन्यास काल में थे तो उसने पूछा कि आखिर मेरे से माँ प्रत्यक्ष क्यों नहीं हुई, क्यों साक्षात्कार मुझे नहीं हुआ, जबकि जो निर्दिष्ट संख्या दी थी वो मैंने किया। तो सद्गुरु ने उसे बताया था कि तूने क्वांटिटी बेस में वो पात्रता पा ली, पर क्वालिटी में इसलिए तुझे पात्रता नहीं मिली है क्योंकि तंत्र का बेसिक नियम होता है जपह जपह जपात सिद्धिर भवे, जपते रहो जपते जाती है मिलती है। हम कितने पे जाते हैं, चार माला कहा है, चार माला करेंगे और चार माला के बाद में एहसान कर दिया हमें गुरु जी के ऊपर, अब दिन भर वो निपटते रहेंगे हमारी सारी प्रॉब्लम से। उन्होंने एक लोएस्ट क्वांटिटी, एक लोएस्ट नंबर ऑफ रोजी चैंटिंग मंत्रास, फॉर चैंटिंग मंत्रास हमें बताया है कि इतना करना चाहिए। सतगुरु ने उसे कहा कि बेटा तुझे सिद्धि मिलेगी क्योंकि ये मंत्र तेरे लिए संजीवित हो गया, एक निश्चित संख्या में मंत्र करने के बाद वो मंत्र आपके लिए एक्टिव हो जाता है, वर्क करने लग जाता है। तंत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि मंत्र एक्टिव कब होता है हमारे लिए, मेरे बोलने पे यदि हम इस होटल में तो हो सकता है यहाँ के मैनेजर कोई काम कर दे, पर आपके बोलने पे वो काम करेंगे इसकी संभावना कम है। क्यों? क्योंकि मैंने वो चीज अर्न करी, वो पावर अर्न किया, आप नहीं कर पाए। तो अब इसके लिए यहाँ बेसिक ये था कि सतगुरु ने कहा कि तूने किया है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन बेटा तूने जो काउंटिंग करी है उस काउंटिंग का जो प्रभाव था वो सीधा सीधा तेरे पास लाइफ के जो प्रारब्ध कर्म थे उन कर्मों को दूर करने में चला गया। तुझे सिर्फ अब 10,000 की संख्या में और जब करना है और वो तेरे सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। उसने किया, 10,000 हुए और वहां प्रत्यक्ष होगी। यदि वो छोड़ देता तो वो चीज भी खत्म हो जाती। पारद विज्ञान का अघोर साधनाओं से बहुत गहरा लेना देना, भगवान शिव का, भगवान पुरुष का वो वीर है, मूल्य सत्व है, मूल सत्व है। सज्जन की प्रगाढ़ता जो अपने आप में आत्मा का प्रखर रूप है, आत्मा का विराट स्वरूप है। आत्मा का विराट स्वरूप कैसे, ना आप उसको जला सकते हो, ना उसको डुबो सकते हो, ना उसको काट सकते हो, ना उसको नष्ट कर सकते हो, ना उसको बांध सकते हो, वो चंचल है। आप कितनी भी बढ़िया पैकिंग आर्ट डाल के रख दो, एक पुरानी पत्रिकाओं में तो था ही था, 1983 की पत्रिकाओं में भी छपा था, और अघोरी का प्रयोग जब अघोरी ने मेरे सामने स्वर्ण बनाया, कहां गुरप्रीत का। तो ऐसी एक 30 days की प्रोसीजर, 30 hours की प्रोसीजर है गुरुजी ने जो अल्केमी तंत्र में दी है। 5 तत्व हैं और उन 5 तत्वों को दुनिया की जो भी वज्र मुद्रा आप जानते हो, वज्र मुद्रा मतलब पारद विज्ञान में मुद्रा का अर्थ होता है बांधने का एक प्रकार, बंधन करने का एक तरीका, मिट्टियों को तैयार करके उसका लेप करने का एक तरीका जिसको मुद्रा कहा जाता है। मुद्रा यानी स्टील, आवरण, सेल कवर कर देना। और उसमें लिखा है कि आप इन सारे मटेरियल्स को मिला के सिर्फ 30 hours आप घोट लो, खरल कर लो, और खरल करने के बाद आप 6 किलो कंटे की आंच दे दो, और उसके बाद में आप जब खोलोगे तो उसमें से आपको राखड़ मिलती है, उसकी ऐश करती है, जलेगा सामान तो राख मिलेगी, जलेगा, आपने 1 किलो मटेरियल भरा है उसके अंदर, तो उसमें सिर्फ राख बचेगी, मतलब बाकी के सारे तत्व तो लोप हो जाएंगे ना, भस्मीभूत हो जाएंगे, सिर्फ राख बचेगी। तो राख 1 किलो में से 50 grams तो बचनी चाहिए, 100 grams तो बचनी चाहिए ना, इतनी तो होनी चाहिए। दिवाली की कितनी, वो होली पे कितनी लकड़ियां जलाते हैं और राख मिलती है हमको। तो इस उम्मीद के साथ बहुतों ने उस प्रयोग को किया है, मार्केट से सारा सामान है कि 0.5 gram भी किसी को उसमें राख मिली। दुनिया भर की मुद्रा कर दो, आपने 1 किलो मटेरियल डाला था तो वो मिला क्यों नहीं। गुरप्रीत ने बहुत बार प्रोसीजर किया है, मैंने खुद ने 18 बार प्रोसीजर किया था, हाल है कि एक सूत भी उसके अंदर राख मिल जाए। कहां जाती है वो चीज, भाई जली है, आग में थी, कहीं से संधि आपकी लीकेज नहीं हुई, आपने जो जॉइंट किया था वो जॉइंट आपका कहीं लीक नहीं हुआ, फिर वो गई कहां। यहीं पे वो नियम प्रारंभ हो जाता है कि आत्मा को इतने आसानी से नहीं बांध सकते आप, जला नहीं सकते, पारा पॉसिबल नहीं है। और पूरा खेल सृष्टि का, पारद विज्ञान का इसी एक चीज पे चलता है कि जो उड़ने वाली चीज है, उड़ने वाली धातुएं हैं, उड़ने वाले तत्व हैं, उन तत्वों को अग्नि स्थायी कर दिया जाए, आग पे रोक दिया जाए, ताकि वो जल सके, गल सके, पिघल सके। और जो जलने वाली चीज है,
आप उसको अग्निस्थाई कर रहे हो और जो चीजें पिघलती हैं उनको आपको द्रुत अवस्था में करना है। जो चीजें ठोस हैं जो आप पे टिकी रहती है उसको लिक्विड फॉर्म में हमेशा के लिए कर दो। लोहे को लिक्विड बना दो, तांबे को लिक्विड बना दो, गोल्ड को लिक्विड बना दो। यदि गोल्ड को लिक्विड करके बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया है तो व्यक्ति कभी बीमार नहीं हो सकता। लिक्विड फॉर्म में किया जाए तो की बात हो रही है। यहाँ सॉलिडली हम जो वर्क खाते हैं वो हम हमारी बॉडी को लगता भी नहीं है, क्योंकि मार्केट में अब जो सिल्वर और जो गोल्ड के वर्क मिलते हैं उनको तो हमारे भोले बाबा भी नहीं खाते, उसमें इतने सारे आइटम डुप्लीकेट डले रहते हैं। आजकल इतनी प्रगति हो गई है कि उसमें केडियम ये वो सब जमाने का आइटम आने लग गया और वो भी बराबर से पत्थर बन जाता है, जबकि पहले तो सिर्फ सुना ही था कि ओरिजिनल ही धातु पिट के पत्थर होती है। अब तो केडियम भी पत्थर होने लग गया है, सारी चीजें टिन वगैरह सब। अभी हमारे भोपाल में दिवाली के समय पे सोने चांदी के वर्गों की जब जांच हुई थी तो लगभग 60% उसमें मिलावट पाई गई थी, मतलब जो खाता है वो भी तकलीफ में निकल रही है। अब इस वर्कशॉप की जरूरत क्यों थी, जब हम दो वर्कशॉप कर चुके थे तो तीसरी वर्कशॉप इसलिए चाहिए कि मेरे जो भाई पहली और दूसरी वर्कशॉप में रह गए थे अब उनके आगे की क्लास 14-15 संस्कार के लिए 10 दिन में ही हो पाएंगे, क्योंकि 16 नहीं करवा सकते थे 10 दिन के अंदर, तो दो संस्कार उनके 14 नंबर के 14th and 15th वो होंगे इन दिनों में, तो वो आगे के संस्कार करेंगे डेफिनेट, क्योंकि उन्होंने इतनी पात्रता ली है कि उन्होंने पिछली वर्कशॉप में 13 तक करके अपने आप को रोका। जिस द्रुति के लिए ये कहा जाता है शास्त्रों में कि द्रुति मतलब लिक्विड, लिक्विड कर देना किसी भी चीज को, उसको द्रुति कहते हैं। जिस द्रुति के लिए ये कहा जाता है अभ्रक, द्रुति एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होती है, अभ्रक लोहा, लोहे को पानी बना देना ताकि पारा अपने जैसे किसी मेटल को मिलाएगा ना। हम लोग जो शिवलिंग मार्केट से खरीदते हैं 100, 150, 200, 300, 400, 500 रुपए में, वो एक्चुअली में जिंक, केडियम, ये जो पिघलने वाली धातु है, टिन, लेड, इनको मिला के बनता है और बहुत खूबसूरत डिजाइन रहता है इसका। चमक कभी नहीं जाती उसकी लाइफ में, नहीं जाएगी, क्योंकि वो सारे मटेरियल व्हाइट कलर के रहते हैं, ऊपर से आप पारा मिला देते हो। पारा उसमें इसलिए मिल जाता है क्योंकि वो चारों लिक्विड होते हैं और एक बार पारा मिल गया फिर वो अलग नहीं होता उसमें से, अशुद्ध। सबसे पहली बात है कि अशुद्धि प्रकृति में नेचुरल, जब पारा मिलता है तो पारा पूरी तरह से अशुद्ध अवस्था में मिलता है, जिसमें जिंक, कैडियम और ये सारी धातुएं। आप कह रहे हैं कि सफलता क्यों नहीं मिल रही, मैंने तो हवा में उड़ने के लिए किया था कि मेरा आसन जमीन से ऊपर उठ जाए, नहीं उड़ सकते। पास पदार्थ विशुद्ध नहीं, वो काला पड़ता पीला पड़ता इंपॉर्टेंट नहीं है, पारा पारा होना चाहिए। पारा तब पूरी तरह से व्हाइट रह सकता है या गोल्डन रह सकता है जब पारद शिवलिंग का या पारद विग्रह का निर्माण 1:3 के रेशो से हुआ, एक भाग गोल्ड और 3 भाग बाकी उसमें पारा। इतना मिला के यदि कोई मूर्ति कोई गुटिका बनेगी वो कभी जो है वो काली नहीं होगी, कभी उसकी चमक नहीं जाएगी। लेकिन यदि सिल्वर मिलाएंगे तो उसकी चमक थोड़ी और डल होती है, कॉपर सिल्वर और गोल्ड थोड़ा थोड़ा मिलाते हैं तो वो स्लेटी कलर का भी हो जाता है। बट उसमें एक ये संभावना सबसे बड़ी रहती है कि अष्ट संस्कारित पारद है, आपका मनोरथ पूरा हो जाता है। रीजन है कि जब गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है, कॉपर मिलाते हैं, वो सारी चीजें पूरी तरह से शुद्ध करके मिलाते हैं। हम इसलिए सक्सेस नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम सिर्फ पारद का संस्कार करते हैं। प्रकृति में हर चीज को संस्कार की आवश्यकता है, आप जिसका भी संस्कार करोगे वो एक समय बाद अपनी विशुद्धता पाने के बाद में उस परम तत्व पे उसकी आभा पीले रंग की ही होगी। हमने अक्सर सिद्ध पुरुषों के आसपास जो ऑरा देखा है फोटोज के पीछे, वो गोल्डन या सिल्वर जैसा व्हाइट रहता है, बिल्कुल प्रकाश जैसा, ट्यूबलाइट के लाइट जैसा पीछे से लाइट रहता है, ये प्योरिटी का सिंबल होता है, द सिम्टम द सिंबल ऑफ प्योरिटी, जिसको एलेक्सिस बोलते हैं। जब हमारे अंदर वो स्थिति आ जाती है प्योरिटी की तो हमारे आसपास से वो लाइट खुद आता है, हम किसी के पास खड़े हों या ना हों हमको लोग देख के जरूर हमारी ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि गुण है प्रकाश का, विशुद्धता का गुण है कि वो बरबस अपनी ओर खींचती है। आप अंधकार में रहते हो, टटोलते चल जाते हो, दूर आपको एक लाइट चमकता हुआ दिखता है, बल्ब जल रहे हैं और आप उसको सेंटर मान के बस अब आप उसकी ओर चलते चले जा रहे हैं। हिरण के सामने यदि खड़ा हो जाए और एक बार हिरण की नजर अजगर की आंखों में पड़ जाए तो हिरण भाग नहीं पाता, वो उसके सम्मोहन में लगा हुआ वहीं रुक जाता है। यही चमक प्रकृति में धातु में विद्यमान है और वो धातु है पारद। पारद की शक्ति अनंत वेदी, अनंत
मैं खुद फोर्थ स्टेज से कैंसर के निकला हूँ। तो मतलब ऐसी धातु है जो शरीर के एक एक अणु में जाके जो खुद भी विखंडित होती है और अपने गुणों को अपने साथ ले जाके आपकी बॉडी के एक एक सेल्स को जाके टच करती है, एक एक सेल्स को प्योर करती है। पारद विशुद्ध हो, वेदन क्षमता के साथ हो तो फर्स्ट टाइम वर्कशॉप रहेगी ये, जिसमें हर धातु को पूरी तरह से परिष्कृत और संस्कार करने की प्रक्रिया भी बताई जाएगी। अभी तक सिर्फ हम पारद की बात करते थे, बहुत ज्यादा हुआ। यदि हमको नाग अभ्रक त्रुटि बनाना है तो लैट को हम प्योर कर लेते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम वो कौन सी टेक्निक है, कौन सा तरीका है जिसको जानने के बाद आप किसी भी धातु को प्योर कर सकते हो कम से कम समय में किसी भी धातु को, क्योंकि यदि वो प्योर होगा तो ही पारद उसको ग्रहण करता है। पारद अशुद्ध गोल्ड को कभी नहीं खाता, वो उसमें से जितना गोल्ड गोल्ड होगा उसको खा लेगा, बाकी छोड़ देगा। तो आप किसी भी चीज को प्योर कर दो, पारद उसको एक्सेप्ट कर ले। ऐसा नहीं है कि शीशे के शिवलिंग का पूजन नहीं होता है, शीशे के शिवलिंग का भी पूजन होता है। और प्रबल यदि किसी को अकाल मृत्यु की संभावना हो किसी की कुंडली में और पारद शीशा मिला के यदि उसका शिवलिंग बना दिया जाए तो भी वो उसको पूरी तरह से अकाल मृत्यु से पूरी तरह से फ्री कर देता है। लेकिन कैसा शिवलिंग होना चाहिए, शीशा किस क्वालिटी का होना चाहिए, किस संस्कार के साथ शुद्ध होना चाहिए, पारद कितने संस्कारों से युक्त तो होना चाहिए, और क्या जो है अग्निक्रम से पारद को ठोस करना है या शीत क्रम से पारद को ठोस करना है, द्रुत क्रम से करना है या स्थाई क्रम से करना है, इन क्रमों को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सद्गुरुदेव ने जब स्वर्ण तंत्रम लिखी थी तो वो उनके मन का एक दुख था जो उन्होंने स्वर्ण तंत्रम में लिखा था लोगों के सामने। उन्होंने कहा था कि मेरे पास जब एक लड़का आया और वो अपनी जिंदगी में, अपनी ग्रस्त जिंदगी में बहुत परेशानी थी, उसको दाम्पत्य सुख और संतान नहीं हो रही थी, तो सद्गुरुदेव ने उसे कहा था कि तू यौवन कर्त्री संस्कार सिद्ध पारद ले आ, मैं तेरे लिए मेडिसिन रेडी कर दूंगा। और उसने पूरी दिल्ली में भ्रमण कर लिया था, दिल्ली की बड़ी बड़ी रसालाओं में उसको कहीं से भी यौवन कर्त्री संस्कार सिद्ध पारद नहीं मिला था, क्योंकि सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता कि यौवन कर्त्री संस्कार होता क्या, क्या है यौवन कर्त्री, क्योंकि यौवन कर्त्री संस्कार तो आठ संस्कार के बीच में से ही कोई एक संस्कार है। यौवन कर्त्री संस्कार आठ संस्कार के बीच की ही एक अवस्था है, लेकिन कौन सा ये किसी को नहीं पता था, क्योंकि उस समय तक आठ संस्कार के प्रचलन खत्म हो गए थे। आज भी जो मार्केट से आप रस सिंदूर लेके आते हो, हरगोरी रस लेके आते हो या चंद्रोदय लेके आते हो, ये इसलिए वर्क नहीं करता है क्योंकि आपने हिंगुल में से पारा निकाला और बगैर उसका शोधन करे सिर्फ उसको कपड़ों से छाना, अब वो आठ संस्कार जैसा हो गया। वो लोग इस नियम को सामने रख के बता देते हैं कि भैया शास्त्र कहते हैं कि जो है सिंगरफ में से इंगुल में से निकला पारा आठ संस्कार बराबर होता, आठ संस्कार जैसा होना और अष्ट संस्कारित होना बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा। ठीक उतना ही कि जितना आप एक नोकिया का हाई क्वालिटी का मोबाइल लेना उसी फंक्शन की कॉपी किया होगा कोई दूसरा मोबाइल, फर्क है ना दोनों चीजों में। क्वालिटी वाइज कॉपी आप क्रिएट कर सकते हो लेकिन वो मैकेनिज्म आप नहीं डाल पाओगे। यदि सिंगरफ से निकले हुए पारे का अष्ट संस्कार कर लिया जाए तो वो अमृत है, नहीं लेके आ पाया वो लड़का। सतगुरुदेव तब अपने पास से वो पारा तैयार करके दिया और स्वर्ण तंत्रम कोई प्रसन्नता की लहर नहीं, हमारे लिए प्रसन्नता है, पर वो सतगुरुदेव का दुख था कि आज भारत में पारद विज्ञान को जानने वाले रेयर। यदि कभी किसी ने, चलो स्वर्ण तंत्रम तो 1993 में छपी थी और सद्गुरुदेव ने उस समय उस पुस्तक को नियम बना के रखा हुआ था कि जो रशेश्वरी दीक्षा लेगा सिर्फ उसी को गिफ्ट की जाती थी वो किताब, रशेश्वरी दीक्षा वालों के लिए ही स्वर्ण तंत्रम थी। बाद में इतने करुणाशील थे कि उन्होंने सारे लोगों के लिए वो चीज कर दी, पहले रशेश्वरी दीक्षा भी बहुत ठोक बजा के जाती थी, ये सिस्टम नहीं था। रशेश्वरी दीक्षा के प्राप्त होना बहुत जरूरी रहता था तब जाके आपको जो है रशेश्वरी दीक्षा मिल पाती थी, तो वो बाद में सद्गुरुदेव ने वो कर दिया था। लेकिन इसी परिपाटी को पूरा करने के लिए सद्गुरुदेव ने पारद विज्ञान के ऊपर लगातार बोला है। आज यदि आपको कायाकल्प विज्ञान, सद्गुरुदेव का कैसेट है कायाकल्प विज्ञान, आप सुनो, उसमें गुरुदेव ने बताया कि पारद के माध्यम से कैसे कायाकल्प किया जा सकता है और प्रकृति में कायाकल्प को संबोधित करते हुए जो वनस्पतियां हैं उनके माध्यम से कैसे कायाकल्प होता है। मतलब एक और वनस्पति होती है
जिसको हम लोग बहुत कड़वी समझते हैं, बहुत कड़वी रहती है और हम लोग रेयर ही उसका इस्तेमाल जानते होंगे, उसको बोलते हैं काय छाल, छाल होती है। उसका यदि व्यक्ति सही तरीके से प्रयोग करे तो वो पूर्ण यौवन पा सकता है। शरीर में जितने भी प्रकार की न्यूनता, चाहे हाइट कम हो, हेल्थ में दिक्कत हो, फैट ज्यादा हो, फैट कम हो, जो भी कुछ है वो सारा दूर कर सकता है सही क्रम को यदि प्रयोग करे तो। उस पूरे कैसेट में पूरा विधान समझाया है तीन तरीके से, मंत्रों के माध्यम से भी, तंत्र के माध्यम से भी और पारद विज्ञान के माध्यम से भी। और ऐसा वो अकेला कैसेट नहीं है, मैंने 89 से लेके जितने भी शिविर अटेंड करे थे 93-94 तक, एक प्रवचन सत्गुरुदेव का पारद के ऊपर रहता था, एक प्रवचन। और उसके पहले के नोट्स, या जब मैं गुरु भाइयों से मिला हूं, उन लोगों ने जब अपने नोट्स मुझे दिए थे, तो उसमें मैंने अक्सर पारद और आयुर्वेद से संबंधित प्रयोग देखे हैं कि कौन सी चीज है जिसके माध्यम से ये क्रिया होती है। लेकिन हम करें कैसे, सतगुरुदेव ने उसमें बताया है कि पारद, गंधक और गुड़, इनको मिला के आप गोली बना सकते हो और ये गोलियां आपको जो है निर्जरा कर देंगी, आपके शरीर का कायाकल्प कर देगी। पर हम खाएंगे तो हम तो मर ही जाएंगे, क्योंकि हमको तो 8 संस्कार करते नहीं आते, और बगैर अष्ट संस्कार के पारा डालने का मतलब खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, आप लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हो, क्योंकि हमारी बॉडी पारद को डाइजेस्ट कर ही नहीं सकती। गोल्ड और सिल्वर को कर लेती है, आयरन हम लोग खाते ही है, लेकिन पारा को डाइजेस्ट करने लायक फंक्शन हमारी बॉडी में है ही नहीं, यदि पारा पूरी तरह से शोधित नहीं है तो, अर्थ संस्कारित नहीं है तो। मेरी बीमारी पे मुझे डॉक्टरों ने सिर्फ 4 महीने दिए थे, 4 महीने की लाइफ है, और मेरा वेट 56-57 के आसपास, मेरा जो है वेट इतना हो गया था और मैं लगातार सर्वाइव कर रहा था लाइफ को लेके। उस समय पे यही विद्या मेरे काम आई थी, मुझे जो है रागदास बाबा जी ने बुलाया कि तूने 8 संस्कार किए हुआ पारा रखा है। तो मेरे यहाँ सिस्टर की शादी थी, विदाई भी नहीं मैंने उसकी अटेंड करी थी, मैं उसी शाम को निकल गया था, मैं डिब्रूगढ़ पहुंचा रहा, उन्होंने कल्प तैयार करवाया, पूर्ण तांत्रिक पद्धति से वो पारा शिवलिंग का पूजन करवाते थे, और वो कल्प यही मेरी नित्य का रूटीन रहता था। और 1 महीने बाद मेरी बॉडी में ब्लड बनने लग गया, मुझे वापस उन्होंने कहा कि तू जाओ डॉक्टर के पास गया था, तो डॉक्टर सरप्राइज थे, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, लगभग 27 डॉक्टरों ने इस बात को मिरेकल माना था। जब मैंने उनसे कहा था कि लिख के दे दो, तो उनके हाथ कांप रहे थे लिख के देने की, कोई भी सिम्टम आपकी बॉडी में कैंसर था, ये सिर्फ पारद कर सकता था, पारद के अलावा कोई नहीं कर सकता था। और इसलिए संभव था क्योंकि 8 संस्कार सही तरीके से हुए, बहुत सही तरीके से। उस 8 संस्कार के बाद आप 1 किलो पारा आप नॉर्मल लो और 1 किलो पारा एयर टाइट बॉटल में आप 8 संस्कार करो, और दोनों की जो डेंसिटी है वो देखो ध्यान से, जमीन आसमान का फर्क है, एक यदि इस साइड पे होता है तो एक इस साइड पे, ये जो प्योर होगा वो इतना होगा और जो प्योर नहीं होगा वो इतना होगा। आप अपने मन मर्जी से संस्कार कर रहे हो इतना हो सकता है, लेकिन वो ये नहीं होगा, ये नहीं समझ में आ जाता है कि आप इसके आवरण हटाते चले गए। जब आपने 8 संस्कार किया है, 8 संस्कार किया है, तो पारा किसी और मेटल में घुस क्यों नहीं रहा है, क्यों वो वेद नहीं कर रहा है, क्यों वेद नहीं कर रहा है? एक छोटी सी प्रोसीजर है कि आप जो है 8 संस्कार किए हुए पारे और गंधक को आपस में मिला के आप रस सिंदूर बना लो, और रस सिंदूर बनाने के बाद में आप जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, गंधक का तेजाब होता है, सल्फ्यूरिक एसिड में आप पानी आप मिला के, और उसके बाद उसके 3 भाग कर लो, 3 भाग करने के बाद में उसमें आपको कॉपर सल्फेट डाल देना है। कितना डालना अपन उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी एक जनरल सी बात बता रहा हूँ, आप उसको जो है ऑलरेडी ऐसा कर दो, और उसके बाद में आप लगातार, पहले आपने जो 3 पार्ट किए उस एसिड के, एक एसिड में आप जो है वो सिंगरफ को आपको बॉइल करना है, पूरा एसिड खत्म करना है, फिर उस सिंगरफ को दूसरे पार्ट में, फिर तीसरे पार्ट में, और उसके बाद में आप जो है जब कॉपर का एक टुकड़ा लेते हो, और ये जो सिंगरफ निकला है, जितना सिंगरफ निकला है उससे डबल आप कॉपर का टुकड़ा लोगे, प्योर कॉपर का प्योर, आप उसको मेल्ट करके ये रस सिंदूर का टुकड़ा आप उसमें डाल दो, वो पूरा का पूरा ऑन द स्पॉट जम जाता है,
और जब वो जम जाता है तो जमने के बाद में आप उसको निकालो, काले कलर का आपको टुकड़ा मिलता है, आप उसको तोड़ दो तो उसके अंदर पीले कलर का जो जितना पारा होगा उस रस इंदौर के अंदर उतना पारा गोल्ड के रूप में वो तांबे का कलर लेके गोल्ड में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि वो अग्निस्थाई हो चुका रहता है। गंधक की सबसे बड़ी विशेषता है कि गंधक के साथ संस्कार हो रहा है, गंधक के एसिड में पारे का गंधक के साथ में संस्कार हो रहा है, तो वो लगातार गंधक की उसके ऊपर जाड़ना होते जा रही है, भले ही एसिड के माध्यम से हो रही है। एक समय वो आता है कि वो रंजन क्रम से संपादित हो जाता है, पूरी तरह से पूरा हो जाता है, और जब आप उसको एसिड में डालते हो, एसिड से निकालते हो और आप उसको जो है कॉपर पर डालते हो, तो कॉपर फूटक हो जाता है, मतलब कॉपर का कलर जितना चाहिए होता है उतना वो खींच लेता है, और आप तोड़ते हो तो पूरा कॉपर ऊपर का अलग हो जाता है, बीच में जितना पारा होगा उस सिंदूर के अंदर में जितना आपने बनाया होगा पूरा प्योर गोल्ड के रूप में उसके अंदर पड़ा रहता है, इडली बन के, जिसको आप किसी भी टेम्परेचर पे किसी भी सुनार को किसी को भी ले जाके दिखा दो वो उसको नकार नहीं सकता। लेकिन ये होगा तब जब आपका पारा, छोटी सी एल्केमी बहुत जटिल प्रोसीजर नहीं है, प्रोसीजर है उसको समझना, उसके बेस को समझना, और हम उसका बेस समझने के लिए तैयार नहीं हर काम में जल्दी, ना हमें लेड शुद्ध करते आता है ना हमें जिंक शुद्ध करते आता है। और सबसे बड़ी बात है कि चंद्रोदय दिव्यामृत जल बनता है, चंद्रोदय के आगे का जल है चंद्रोदय दिव्यामृत जल बनता है, इस एक जल से पूरे 8 संस्कार होते हैं जो मात्र 5 दिन के अंदर 8 पूरे करवा देते हैं। पर डे आपको सिर्फ 6 घंटे की कुटाई चाहिए होती है, सिर्फ 6 घंटे की, लेकिन उस जल को तैयार करने में पहले के 7 दिन लगते हैं। इसका मतलब जब पारस वर्कशॉप चालू होगी तो जिन्हें पारस वर्कशॉप में ये जल बनाना सीखना है अपने सामने, उन्हें 7 दिन पहले आना पड़ेगा, यानी वर्कशॉप उनके लिए 17 डेज की होगी, लेकिन वो 7 दिन सिर्फ वो जल ही बनाएंगे, सिर्फ वो जल बनाएंगे, उसी जल से खरल करना होता है, उसी जल से उस पारद को धोना होता है, और उठ 8 संस्कार के बाद में जो पारद मिलता है वो 600 से 700 डिग्री तक चला जाता है, यानी अग्निस्थाई हो जाता है। अग्निस्थाई की व्याख्या है कि यदि मैं 400 पे जलने लग जाता हूँ, 400 डिग्री पे, और मैं 410 पे पहुंच गया हूं तो भी मैं अग्निस्थाई हो गया हूं अल्प मात्रा में। अग्निस्थाई की यही व्याख्या कि मैं मेरे टेम्परेचर से ऊपर का टेम्परेचर यदि झेल लेता हूं इसका मतलब मैं अग्निस्थाई हूं, कायम हो गया हूं। तो ये जल कुछ विशिष्ट जड़ी बूटियों से जिनका हमने कलेक्शन किया है, अभी जो बारिश में होती है जिनके सारे फोटोज हमने लिए और कुछ जड़ी बूटियां हमने अगर लगाई हुई है फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, वो सारी आपको देखने को मिलेगी। इसमें जिन बीज मंत्रों का प्रयोग उस जल को तैयार करने के लिए होता है वो भी अपने आप में हृदयंगम करने वाले, क्योंकि सारे तिब्बती मंत्र हैं, सारे तिब्बती मंत्र हैं। और एक चीज और है, हम जब इस जल का निर्माण करेंगे तो 2 टीम मिलकर करेगी, एक टीम बीज मंत्रों का प्रयोग नहीं करेगी, सिर्फ मटेरियल का यूज करेगी, सेम प्रोसीजर, एक टीम बीज मंत्रों का प्रयोग करेगी सेम मटेरियल, और लास्ट डे जब आप दोनों की थिकनेस और क्वालिटी देखोगे तो आप खुद ताज्जुब में रह जाओगे कि यार इसमें इसकी थिकनेस ये है और इसकी थिकनेस ये है। और हम लेजर एंटीना से बराबर टेस्ट करेंगे पारद को हर संस्कार के बाद, कितने परसेंट उसका और डेवलप हुआ है। लेजर एंटीना एक क्वालिटी, एक जो है पूरे उसके टेम्परेचर से, उसके गुरुत्व से, उसको उसके ऑरे को नापने वाला एक विशिष्ट यंत्र है जिसको बनाया जा सकता है घर में, जो ये बता सकता है कि ये जो मेरे पास शिवलिंग, मेरे पास यंत्र, मेरे पास ये माला रखी प्राण प्रतिष्ठित है या नहीं है। आप नॉर्मल माला लो जिसमें थोड़ी प्राण प्रतिष्ठा, और आप जब उस पर लगातार मंत्र जप करते हो तो पहली बार में माला का जो ऑरा था, जितना आप मंत्र जप करते जाओगे उस माला का ऑरा बढ़ते चला जाएगा, सिद्ध होते चली जाती है। आपके आप जिस आसन पे बैठते हो उस आसन पे किसी को नहीं बैठने देना चाहिए, आप जिस बिस्तर पे होते हो आप और आपकी पत्नी के अलावा दूसरा ना बैठे, या साधना काल में आप जिन वस्त्रों को आप पहनते हो उसमें आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव सारी होती चली जाती है। यही वजह कि जब कोई भाग जाता है, कोई इधर उधर चला जाता है तो उसके कपड़े वगैरह मंगाए जाते हैं तांत्रिक प्रयोग के लिए, और उनको चरखे में बांध के उल्टा घुमाया जाता है ताकि वो व्यक्ति वापस आ जाए, मंत्र के थ्रू ऐसा करते हैं। खैर ये एक अलग तांत्रिक पद्धति है, लेकिन वाइब्रेशन सबकी होती है, सबका एक अपना अपना ऑरा होता है, और उस ऑरे को समझा जा सकता है लेजर एंटीना के थ्रू। तो हम जो वर्कशॉप में पारद के संस्कार करेंगे, हम दोनों प्रकार के जल से संस्कार करेंगे, दोनों प्रकार के जल से अलग अलग, और आप लोग खुद ही टेस्ट करोगे पर डे संस्कार के बाद कि आपने पारे को धोया है, इसका ऑरा इसकी डेंसिटी इतनी निकली है, इसका ऑरा इसकी डेंसिटी इतनी निकली है।
पूरे तिब्बती मंत्र है, थे वो कभी जो है संस्कृत मंत्र, लेकिन उसमें तिब्बतीयन पुट इसलिए आ गया क्योंकि वहां पे और फास्ट इसके ऊपर सूट की जरूरत, ऐसा नहीं है कि पारे के संस्कार जितने लिखे इतने ही होंगे, इसी टाइप से होंगे, ऐसा नहीं होता है। आज भी ये शोध सिद्धाश्रम में, ज्ञान आश्रम में, तत्वाश्रम, बोधाश्रम और दिव्याश्रम, ये जो पांच आश्रम इन आश्रमों में आज भी इनके ऊपर शोध चल रहा है। किसी भी एक विज्ञान पे रुका नहीं जाता है कि मैंने बगलामुखी इस तरीके से सिद्ध कर ली तो अब अगली बार बगलामुखी बस ऐसे ही करूंगा, नहीं, अगली बार जो ओरिजिनल साधक होता है वो एक नया चैलेंज एक्सेप्ट करता है कि मैंने पहले मानसिक तरीके से करी है, अब मैं तांत्रिक तरीके से करूंगा, अब मैं साबर पद्धति से करूंगा, अब मैं अघुर पद्धति से करूंगा, अब मैं कापालिक या कौल मार्ग से करूंगा, या जो है श्यामा पद्धति से या संबर पद्धति से करूंगा। ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि मैंने एक साधना सिद्ध की, लेकिन अब मैं उसके तामसिक भाव को भी तामसिक ध्यान से सिद्ध करूंगा, अब मैं उसके तामसिक भाव को सात्विक ध्यान से सिद्ध करूंगा, या मैं उसके तामसिक भाव को राजसिक ध्यान से सिद्ध करूंगा। डिपेंड करता है मुझ पे कि मैं चैलेंज क्या एक्सेप्ट करता हूँ। सद्गुरुदेव ने विराटता दी है, सद्गुरुदेव ने इतने ग्रंथ लिखे हैं, इतने ग्रंथ, बहुत पहले उन्होंने पार कंकड़ करके एक ग्रंथ लिखा था जो उन्होंने फाड़ दिया था, क्योंकि वो 50 उन्होंने कहा था कि ये कॉपी छप जानी चाहिए आज रात में, और जिस गुरु भाई कहा था उसने कहा था गुरु जी ना तो इतने बड़े पेज हैं और दूसरी बात है पत्रिका भी लगी हुई है ऑफसेट में, तो एक रात में नहीं हो पाएगा, और इतना सुनने के बाद गुरु जी ने अगला सेट कर, ऐसे गुरु जी ने बहुत ग्रंथ लिखे हैं, स्वर्ण प्रदीपिका और ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जो ग्रंथ आज भी प्राप्य हैं, जरूरत है उनका बोध समझने की। एक सामान्य सा श्रीयंत्र जो ऊर्ध्वधर श्रीयंत्र हो, सुमेरु दृष्टि श्रीयंत्र हो, यदि वो कनकावती मंत्रों से सिद्ध है तो वो पारद को गोल्ड में जप के दौरान ही कन्वर्ट कर देता है। लेकिन कैसे कनकावती मंत्र से उस श्रीयंत्र को सिद्ध किया जाएगा, ये विधान अलग है, ये तांत्रिक विधान है जिसको समझने के लिए डेफिनेट गाइडलाइन की जरूरत होती है। और ये सब सदगुरुदेव देखे गए तो मैं ये पूछता हूँ कि आज क्यों नहीं प्रकाश में आ सकती चीजें, जब सारा किसी ना किसी के पास संचित करके रखा गया है तो क्यों नहीं आ सकती। वजह है हमारी अज्ञानता, हमारा आलस्य, धैर्य है नहीं। हम ये सोचते हैं कि हम एक दिन में बिल्कुल, अब जो है नागार्जुन के बाद कोटि वेदीरस हमारे पास ही रहेगा। एक दिन के बाद उसने अपनी लाइफ लगाई थी इस विज्ञान को सीखने के बाद, 12 साल तक उसने वट यक्षिणी की साधना करी थी तब जाके वो सिद्ध हुआ था। विज्ञान सीख के आया था, वो प्रक्रिया सीख के आया था, जिस प्रक्रिया को उसने देखा था उस योगी को, जिस योगी ने वो सारा कन्वर्ट करके उसको दिखाया था, वो पूरे सूत्र को सीख के आया था, लेकिन उस सूत्र में फलीभूतता के लिए उसके हाथ में सिद्ध हस्तता होनी चाहिए थी, दग्धता समाप्त होनी थी, उसके लिए उसने 12 साल वटेक्षणी की साधना श्री सेल पर उनके बैठ के करी थी, तो जाके वो साधना उसको फलीभूत हुई थी और उसको सिद्धि मिली थी। यदि एल्केमी सिर्फ वैज्ञानिक तरीका होता तो आज कोई भी कर सकता, साइंटिस्ट बेवकूफ नहीं है। आज मार्केट में आप चल जाओ, आपको कॉपर पाइराइट देखने के लिए नहीं मिलेगी, सोना माखी बोलते हैं उसको, बहुत बड़ा, पहले उसकी दवाइयां ऐसी ऐसी आती थी कि जो अनेक रोगों में काम आती थी, एक सामान्य सा पत्थर जो नदी में और जो है पहाड़ों पे मिल जाता है, आज जहां पे भी वो पाया जाता है वहां पे सरकार उसको अपने अंडर में कर लेती है, क्योंकि उसमें से गोल्ड निकल, एक बहुमूल्य पत्थर को जरा से अपने लाभ के लिए जो है गवर्नमेंट पूरी तरह से खत्म करने जा रही है, जरा से लालच के। तो हम क्या कॉपर पायराइट के लिए उलझे रहेंगे? हम सिर्फ इसीलिए उलझे रहेंगे कि यदि ये सामान हमारे पास नहीं है तो हम आगे जो है कुछ ना कर पाए। एल्केमिस्ट या कीमी अगर हमेशा वो होता है, एक रसशास्त्री वो होता है जो किसी भी चीज का निर्माण अपनी खुद की रसाला में कर, कैसे डेवलप करना है वो मैं कर। यदि शास्त्रों में विवरण आता है कि भाई कॉपर सल्फेट लगेगा, नीला धोता लगेगा, तो वो नीला धोता होता कैसा वाला है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है ना, किस टाइप का नीलत होता उसके लिए चाहिए होगा, वो भी तो एक ध्यान देने वाली बात है। तो एक जो एल्केमिस्ट होगा वो उस कॉपर सल्फेट को अपनी लैब में बना लेता है, मार्केट से हिंगुल लेके प्रयोग नहीं करता, वो खुद पारद को पूरी तरह से शोधित करता है, 8 संस्कार करता है, और 8 संस्कार करने के बाद शुद्ध गंधक के साथ मिला के उसका रस सिंदूर या हिंगुल बनाता है, फिर उसमें से पारा निकालता है ताकि जो रही सही कसर हो वो गंधक समाप्त कर दे। तो क्यों ये वर्कशॉप इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस बार 8 संस्कार करने के बाद ही आपका पारा 600 से 700 डिग्री पे पहुंच जाएगा, उस जल की वजह से, उस जल में 143 प्रकार की जड़ी बूटियां डलती हैं, तब जाके वो जल 7 दिन में तैयार होता है, लगातार मंत्रों के साथ में उसका खरल होता है, मर्दन होता है, तब वो जल तैयार होता है।
और सिर्फ उसी जल के सपोर्ट से आप पूरे के पूरे ना सिर्फ आठ संस्कार कर लेते हो बल्कि जो आपको पारद मिलता है वो वेदन क्षमता के साथ मिलता है आठ संस्कार की ओर। अर्थात आप शरीर के लिए उसका प्रयोग करो, धातु के लिए उसका प्रयोग करो, वो वर्क करेगा ही करेगा, उसमें कहीं कोई उलझाव नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आके फंसेगी, आपका मनोरथ सिद्ध करेगा। क्यों इंपॉर्टेंट है ये वर्कशॉप? ये वर्कशॉप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ही वो चीज समझाई जाएगी कि एक्चुअली में जिस पारद के ऊपर गंधक जारणा की जाती है वो पारद अग्नि स्थाई ही होता है द्रुत अवस्था में, पहली बात। दूसरा, उसमें जो गंधक लगती है वो सामान्य गंधक या शुद्ध गंधक नहीं होती, अपितु सिद्ध गंधक होती है, पूरी तरह से अग्नि स्थाई गंधक होती है। जारणा का अर्थ है खिलाना, जलाना नहीं है। सिद्ध पारद होगा, सिद्ध गंधक मिलेगी और उसकी जारणा होगी, तब वो पारद डिवाइनिटी पाएगा। ऐसा पारद जो है खेचरी गुटिका, भूचरी गुटिका, जलचरी गुटिका, दृष्टिकरण गुटिका, किसी भी गुटिका में कन्वर्ट हो सकता है। मैं आपको अभी सेकंड सेशन होगा तो मैं आपको देवरत्नी गुटिका दिखाऊंगा, जिसको आप 2000 की डिग्री पे भी आप रख दो तो वो लाल हो जाएगी लेकिन वो पिघलेगी, कितनी ताकत से जमीन पे मार लो उसे दबेगी, फूटेगी नहीं। कोई और मेटल होगी तो उसका एक टेम्परेचर होगा 600-700, इतने पे वो चल जाएगी, बट वो पारद की, क्योंकि हीरा का ग्रास दिया गया रहता है उसको, इसीलिए। हालांकि देवरन्नी गुटिका से ऊपर बहुत सारी गुटिकाएं हैं जो फूट जाती हैं, जो ब्लास्ट होती हैं, लेकिन उनके वर्क ज्यादा है इसलिए साधक को उसका प्रयोग ज्यादा करवाया जाता है। आपको अग्निस्थाई के लिए गुटिका चाहिए तो आप देवरन्नी गुटिका का यूज कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे आठ संस्कार करने के बाद यदि आप जारणा कर लेते हो गंधक की 6 गुना भी, तो उतना पावर उसमें आते जाता है, क्योंकि स्थाई गंधक होगी, गंधक का भी गुण है आग पे चलना, पारे का भी गुण है आग पे नहीं टिकना, भाग जाना। यदि ये दोनों स्थाई होंगे तो निश्चित तौर पे जो क्रिया होगी वो डिवाइन होगी। इसके बाद ऐसे पारद में जब द्रुति की जाती, जिसके बारे में मैं कहते कहते बात अटका दिया था कि द्रुति यानी लोहे की द्रुति, अभ्रक की द्रुति, जिसके लिए ये कहते हैं कि अभ्रक को पानी बनाना ताकि वो पारे में मिल सके, द्रुति करते करते लोग द्रुत हो जाते हैं, लोग दुनिया छोड़ देते हैं, लेकिन लोहा पानी नहीं होता। वो क्रिया भी इसी जल के माध्यम से एक दिन में कैसे उस लोहे को आप पानी में कन्वर्ट कर सकते हो, वो आप देखिए। 2 वर्कशॉप में आदित्य और प्रीतिश आए हैं, और राघवेंद्र भी, राघवेंद्र तो एक ही बना, प्रीतिश एक बना, आदित्य 2 वर्कशॉप में ऑलरेडी थे। उनको पता है कि हमारी हर वर्कशॉप में हमने प्रैक्टिकल ही दिखाया, हम जो बोलते हैं वो कर लेते हैं, करके दिखाते, क्योंकि ये नॉलेज एक जगह सीमित नहीं है। मैंने एक विषय को समझा तो उस विषय को समझने के लिए मैं गुरुदेव के पीछे लगा रहा कि मेरे को दूसरा विषय, उन्होंने कहा उस शिष्य के पास चल जा, मैं व्यस्त हूं तो उससे समझ, उन्होंने उसको आज्ञा दी, उन्होंने मुझे सिखाया। आज इतनी पद्धतियां हैं तो मैं कह रहा हूं आप इन पद्धतियों को फॉलो करो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वर्क है, आपको सीखने को एक नई चीज मिलेगी। आप नॉर्मल नहीं रहोगे, आप उन मंत्रों को समझ जाओगे जिन मंत्रों के माध्यम से किसी भी चीज को स्थायित्व दिया जा सकता है, यहां तक कि मेरी अपनी सोल को, आपकी अपनी सोल को। आप एक बार अपनी नेगेटिविटी अलग करोगे, वो जल का स्पर्श आपकी बॉडी में डिवाइननेस लाते खुद लाते जाता है, आप खुद फील करते हो कि यार मैं आज कल के मुकाबले हल्का फील कर रहा हूँ, कल मैं थोड़ा भारी था, कल मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट था, इरिटेट होता था, टेंशन में था, आज मैं थोड़ा लाइट मोड में हूँ। तो ये संस्कार करना भी, ये आठ संस्कार करना भी वहीं पे, क्योंकि जो पहला पारद वर्कशॉप अभी हो रही, इस वर्कशॉप में हम उसमें सिर्फ 10 संस्कार ही बताएंगे, हम 13 नहीं करवाएंगे, 10 करवाएंगे, क्योंकि उसको उसके और उस पारद के क्या प्रयोग है वो प्रयोग हम समझाने में समय लगाना चाहेंगे। साथ ही साथ जो पुराने हैं वो इनको समझने के साथ साथ 13 के आगे के संस्कार भी समझेंगे और करेंगे, 14 और 15, कैसे हीरे को उस जल के माध्यम से 1 घंटे के अंदर पूरी तरह से राख किया जा सकता है, किसी भी मेटल को राख किया जा सकता है, कैसे उसकी जो है इंप्योरिटी को दूर करके उसको पूरी तरह से प्योर किया जा सकता है, ये सारी प्रक्रिया इस एक जल पे टिकी हुई है, यही इसका मूल गुण है, कोई अलग अलग वनस्पति नहीं। एक बार रेडी हो गया आज जन्म वो जल काम आएगा, एक बार कलेक्शन करना है आपको जड़ी बूटियों को और आसपास मिलती है, कोई ऐसा नहीं है कि जिसको आपको ढूंढने के लिए पाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा यार ये कहां से मिलेगा। प्लस उस पारद के ऊपर कैसे कैसे प्रयोग किए जा सकते हैं, उस पारे के द्वारा कैसे कैसे जो है गुटिकाओं का निर्माण किया जा सकता है, विग्रह का निर्माण किया जा सकता है, ये सारा क्रम भी उसी में इंक्लूड रहेगा, इसी वर्कशॉप में, पारद की वर्कशॉप में।
लेकिन अघोर मंत्र का जाप उसको भी होना चाहिए, प्लस रशेश्वरी दीक्षा के लिए भी उसको कोशिश करना चाहिए, और नहीं मिले तो रशेश्वरी मंत्र करना चाहिए। और तंत्र कौमुदी के इस महीने में सद्गुरुदेव द्वारा दीक्षा प्राप्ति का विधान बताया, आप सीधे वो साधना करके सद्गुरुदेव से दीक्षा लो, क्योंकि अभी मेरे को कुछ गुरु भाइयों ने बताया था कि वो गुरुनाम करते तो उनको बड़ी बड़ी बुरी तरह से बेइज्जती होना पड़ा था कि यार रशेश्वरी दीक्षा लेके हर कोई मुंह उठा के सोना बनाने चले आते हैं। रशेश्वरी दीक्षा एक व्यापकता है, एक सामान्य सी घटना नहीं है, जीवन का आमूलचूल परिवर्तन है, कुंडलिनी जागरण की चरम सीमा है, भेदन है कुंडलिनी का, सौंदर्य प्राप्ति, अपने आप में असंभव संभव करने की क्रिया, अपने आप को एक सामान्य साधक से ब्रह्म और ब्रह्मांड बना देने की क्रिया है रशेश्वरी दीक्षा। तो आप तत्व कौमुदी में प्रयोग दिया है, आपके पास दिसंबर तक का ऑलरेडी टाइम है, आपको करके वो दीक्षा को सद्गुरुदेव से पा सकते हो, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, पूरे विधि विधान से, प्लस अघोर मंत्र आप कर लीजिए, रशेश्वरी मंत्र सद्गुरुदेव से खुद आपको स्वप्न में मिलेगा ही मिलेगा। आप उस मंत्र का किसी के लिए हो सकता है एक अक्षर का रशेश्वरी मंत्र हो, किसी के पास कुछ हो, मेरे पास तो जो है 17 प्रकार के रशेश्वरी मंत्र है जो सद्गुरुदेव ने अलग अलग समय पर दिए। कोई भी एक रशेश्वरी मंत्र आप जो है कर लेंगे उसकी भी क्वांटिटी 51,000 ही होगी, और आप उसको करने के बाद ही इसमें भाग लेंगे। ये आपका होमवर्क इसलिए है ताकि जब आप वर्कशॉप में आओ तो सिर्फ प्रैक्टिकल करो, वहां आपसे जाप ना करवाया जाए। पिछली बार जो गुरु भाई थे उनको जाप भी वहां करवाए थे, इसके आगे संपूर्ण विज्ञान वगैरह बाकी लंच के बाद, अब आप लोग लंच कर लीजिए। हाँ, ई मैगजीन है ये फ्री है इंटरनेट पे, जो ब्लॉग या याहू ग्रुप के मेंबर हैं निखिल एल्केमी, आप किसी से भी आसपास में पूछ लीजिए वो बता देगा प्रोसीजर क्या है। ये फ्री आपके नेट पे आपके मेल में भेज दी जाती है, और ये अभी 8 अंक इसके आ चुके हैं, 9 अंक अभी जो है तीव्र शक्ति जो है अघोर साधना विशेषांक अभी आने वाला है 15-20 दिन, 8 अंक हमारे आ चुके हैं। चलिए आप सब लोग आने के बाद फिर हम फिर आगे की बात करें। खाना खाने नहीं जाएगा, सब लोग का नाम बताए यही बैठ के, डिस्क्वालिफिकेशन ऐसे चालू हो जाएगा, दो बार बार याद नहीं किया। ये किसका है? बंद कर,